मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक वॉर का सीन दिखाया जाता है जहां पर विक्रम बत्रा और उसकी टीम लड़ रहे होते हैं। दुश्मन की तरफ से भी लगातार फायरिंग होने के कारण भी विक्रम बत्रा अपनी टीम को लीड कर रहे थे और दोनों तरफ से निस्तब्ध फायरिंग हो रही थी। तभी विक्रम बत्रा का एक सैनिक एक रॉकेट लॉन्चर से उस एरिया में ब्लास्ट करता है जहां पर दुश्मन छुपे रहते हैं और उनके बंकर को तबाह कर देता है। बंकर तबाह होने के बाद फायरिंग आना बंद हो जाती है। जैसा उन्हें लगता है वैसा नहीं होता। जब वो बंकर की तरफ बढ़ रहे होते हैं तब वहां से फिर से फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसके बाद विक्रम बत्रा अपने सैनिक को पीछे आने की चेतावनी देते हैं और उसके दौरान उनके कुछ सैनिक घायल हो जाते हैं और कुछ मारे जाते हैं। इसके बाद विक्रम बत्रा अपनी टीम को बताते हैं कि अभी भी एक बंकर शामिल है जिसे हमें पूरी तरह निस्तनाबूत करना है, इसके बाद हम जीत जाएंगे। विक्रम बत्रा के पास एक ग्रेनेड होता है जिसकी मदद से वो दुश्मन को निस्तनाबूत करने की प्लानिंग बनाते हैं और अपनी टीम को उन्हें कवर देने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद विक्रम बत्रा भागते हुए ग्रेनेड को आसमान की तरफ उछालते हैं और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। इसके बाद हमें विक्रम बत्रा के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो अपने दोस्तों के साथ बैट बॉल खेल रहे होते हैं। जब विक्रम अपने भाई और दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा होता है तब बॉल एक लड़के को जाकर लग जाती है, जिसके बाद विक्रम उस लड़के से अपना बॉल मांगने जाता है लेकिन लड़का गुस्से में उसे बॉल देने से मना कर देता है, जिसके बाद दोनों में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई के बीच विक्रम किसी तरह बॉल लेकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद जब विक्रम घर पहुंचता है तब उसके पिता उसके सामने खड़े होते हैं और उसे बहुत कुछ सुनाते हैं और बोलते हैं कि जिस लड़के से तुमने लड़ाई की वो तुमसे 10 साल बड़ा था, इसलिए तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद मूवी का सीन विक्रम के भाई की तरफ मूव करा जाता है जो एक स्टेज पर खड़ा होकर विक्रम की कहानियाँ बता रहा होता है। वो बताता है कि बचपन में दूरदर्शन पर एक शो आता था परवीर चक्र, जिसमें फौजों के बारे में और उसकी ट्रेनिंग के बारे में लोगों को दिखाया जाता था, लेकिन उस टाइम बहुत कम ही घरों में टीवी होता था, इसलिए विक्रम किसी तरह अपने पड़ोसी के घर में जाता था और वहां पर जाकर परमवीर चक्र वाला शो देखता था और बचपन से ही उसने तय कर लिया था कि उसे फौज में जाना है। विक्रम जब भी गणतंत्र दिवस पर स्कूल में जाता था तो सभी बच्चे वाइट ड्रेस पहनकर स्कूल में आते थे, लेकिन विक्रम हमेशा फौजी की ड्रेस पहनकर स्कूल में आता था और सल्यूट मारता था। विक्रम के हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर विक्रम अब 2-स्टार फौजी बन गया है और उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में की गई है। विक्रम को रिसीव करने के लिए कैप्टन राजीव कपूर सुवेदार बंसी लाल उन्हें रिसीव करने आते हैं और उन्हें अपने कैंप में ले जाते हैं। कैंप में पहुंचने के बाद विक्रम अपने सभी टीम मेंबर को नमस्ते बोलते हैं और अपने बारे में भी बताते हैं। कैंप के अंदर जाने के बाद उनकी मुलाकात एक लेफ्टिनेंट से होती है जिन्हें वो अपना सैल्यूट देते हैं। वहीं कैप्टन जिमी जो कैंप में ही रहते हैं उनकी मुलाकात भी विक्रम बत्रा से होती है। विक्रम बत्रा को कई दिन कश्मीर में बीत जाते हैं और उनकी अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है, लोग उन्हें बहुत इज्जत और सम्मान भी देते हैं। इसके बाद हमें कश्मीर में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम गफूर होता है, जो विक्रम बत्रा की काफ़ी इज्जत करता है और विक्रम बत्रा भी उन्हें अपने पिता समान मानते हैं। गफूर अपने बेटे को विक्रम बत्रा को चाय सौंपने के लिए बोलता है। गफूर बताता है कि उसका बेटा कुछ दिनों से लापता था, लेकिन उसका बेटा बोलता है कि वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था। इसके बाद विक्रम बत्रा और उनकी टीम नेक्स्ट पॉइंट पर चेकिंग करने के लिए जा रही होती है। तब कैप्टन जिमी बोलते हैं कि हमें इन लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर रखना चाहिए क्योंकि ये लोग खतरनाक भी हो सकते हैं, जिस पर लेफ्टिनेंट विक्रम बोलते हैं कि अगर हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे तो वो भी हम पर विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद विक्रम बत्रा और उनकी टीम नेक्स्ट चेक पॉइंट पर पहुँच जाती है। उन्हें खबर मिलती है कि कुछ हथियार यहाँ से ट्रांसपोर्ट होने वाले हैं, लेकिन उन्हें चेकिंग करते हुए 3 घंटे बीत जाते हैं और विक्रम बत्रा को लगता है कि उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। तभी कुछ आतंकवादियों की गाड़ी पीछे से आती है और फौजियों को
देखकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रम की नज़र उन पर पड़ जाती है और वो तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अपनी ओर आते हुए विक्रम को देखने पर फौजी उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिस पर वहां से भगदड़ मच जाती है। विक्रम फिर भी उन फौजियों से कवर मांगते हुए आतंकवादियों के सामने पहुंचने की कोशिश करता है। लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, विक्रम उन्हें भी शांति से रहने के लिए बोलता है। विक्रम आगे बढ़ते हुए सभी आतंकवादियों को मारने लगता है। जब आतंकवादियों का लीडर भागने की कोशिश करता है, तब विक्रम बत्रा उसके पैर पर गोली मारकर उसे वहां रोक लेते हैं और सभी आतंकवादियों को पकड़ लिया जाता है। लेकिन कैप्टन जिमी विक्रम पर गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि वो उसके ऑर्डरों को फॉलो नहीं कर रहा होता है। इसके बाद हमें कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सूबेदार कैप्टन विक्रम की तारीफ़ कर रहा होता है और सभी फौजी बोलते हैं कि जब आप कैप्टन बनेंगे तब हमें अपनी यूनिट में ज़रूर शामिल कीजिएगा, और उनकी बहुत सी तारीफ भी करते हैं। जिसके बाद कैप्टन जिमी भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद कैप्टन जिमी बोलते हैं कि तुम मुझे आज से जिमी बोल सकते हैं क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे 6 महीने ही सीनियर हूँ। और इसके बाद कैप्टन विक्रम और जिमी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद विक्रम के पास एक लेटर आता है जो उसकी बीवी डिंपल का होता है, जिसके बाद विक्रम कुछ मुस्कुराता है। और उसके बाद इस कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है कि कॉलेज टाइम चल रहा होता है, जहाँ पर विक्रम पढ़ रहा होता है और उसकी नज़र एक डिंपल नाम की लड़की पे पड़ती है और उसे वो पहली नज़र में ही पसंद करने लगता है। शुरुआत में डिंपल विक्रम की तरफ देखती भी नहीं थी, लेकिन जब वो विक्रम की तरफ देखती है और उसकी तरफ मुस्कुराती है, तब विक्रम को लगता है कि अब उसका काम चल जाएगा। इस बात से खुश होकर विक्रम अपने दोस्तों को पार्टी देने की कोशिश करता है और उन्हें आर्मी कैंट में ले जाता है। कैंटिंग में जाने के बाद कैंटिंग में एक सर्विसमैन रहता है जो विक्रम को बोलता है कि ये शराब सिर्फ फौजियों के लिए है। जिसके बाद विक्रम कसम खा लेता है कि जब तक वो फौजी नहीं बनेगा तब तक वो शराब की एक बूंद भी नहीं पिएगा। वहीं कुछ दिनों बाद विक्रम और उनका ग्रुप एक टूर पे जाता है, जहां पर डिंपल भी मौजूद होती है, जिसमें डिंपल और विक्रम काफ़ी मस्ती भी करते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को अब पसंद भी करने लगते हैं। इसके बाद उनके प्यार को कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जब विक्रम डिंपल को छोड़ने उसके घर जाता है, तब वो उसे प्रपोज करता है। उसे प्रपोज करते हुए डिंपल के पिता उसे देख लेते हैं और विक्रम को अपने घर में बुलाते हैं। इसके बाद डिंपल के पिता उसे बताते हैं कि तुम खत्री पंजाबी हो और हम सिख हैं, इसलिए यह रिश्ता तय नहीं हो सकता। इसके बाद विक्रम अपने घर जाता है और यही बात वो अपने घर वालों को बताता है, लेकिन उसके घर वाले खुशी से झूम उठते हैं और रिश्ते के लिए मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिंपल जब अगले दिन अपने घर पहुंचती है, तब उसके पिता उसे बताते हैं कि हमने तुम्हारा रिश्ता एक लड़के के साथ तय कर दिया होता है। जिसके बाद डिंपल गुस्सा होती है और बोलती है कि वो जब भी शादी करेगी तो विक्रम के साथ ही करेगी। वहीं दूसरी तरफ विक्रम अपने दोस्त से मिलता है और बोलता है कि वो अब फौज में ना जाकर नेवी में जाएगा, जिस पर विक्रम का दोस्त समझाता है कि ये लड़की कल ही आई है और तुम अपने बचपन के सपने को छोड़कर नेवी में नहीं जा सकते। इसके बाद विक्रम डिंपल से मिलता है, तब वो डिंपल को बताता है कि मेरा सपना बचपन से ही आर्मी में जाने का है, इसलिए मैं नेवी में नहीं जा सकता और मैं आर्मी में ही जाना पसंद करूँगा। जिसके बाद डिंपल नाराज़ हो जाती है और जाते हुए विक्रम को बोलती है, जब तक तुम्हारा फौजी में सिलेक्शन ना हो जाए तब तक मुझे कॉल मत करना। यानी कि डिंपल विक्रम से नाराज़ नहीं होती है, बस उसे खुश करने की कोशिश करती है। वहीं मूवी का सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर विक्रम अपने दोस्तों के साथ ये सब बातें शेयर कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन जिमी भी आ जाते हैं और विक्रम को बताते हैं कि जिस आतंकवादी को तुमने पकड़ा है वो हैदर का राइट हैंड है। जिसके बाद जिमी बताते हैं कि अब हैदर चुपचाप नहीं रहेगा और हमारी टीम को कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर करेगा। जिसके बाद मूवी का सीन हैदर की तरफ मूव किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम जिमी से पूछता है कि उन्हें इस सोर्स की जानकारी कहाँ से मिली,
तब जिमी बताता है कि हम सोर्स की जानकारी नहीं बता सकते कि हमें कहां से मिली और कैसे मिली, क्योंकि ये बातें सीक्रेट होती हैं। वहीं दूसरी तरफ हैदर उन लोगों को मार देता है जिन्होंने सोर्स की जानकारी फौजी तक पहुँचाई थी। हम देखते हैं कि गफूर का बेटा भी उन्हीं आतंकवादियों के साथ शामिल होता है और हैदर ने उनके साथ कुछ लड़कों को पाकिस्तान भेजने के लिए चुना होता है। हैदर उन जासूसों की लाशों को चौराहे पर टांग देता है, जिसके बाद विक्रम बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है। लेकिन विक्रम के कैप्टन वहां पर आते हैं और विक्रम और जिमी की तारीफ करते हैं। बताते हैं हकाउल्ला जो हैदर का राइट हैंड था उन्हें पकड़कर तुमने बहुत ही बहादुरी वाला काम किया है। अपने कैप्टन से मिलने के बाद जब विक्रम रात को चेकिंग पोस्ट पर जा रहा होता है तब उसे गफूर मिलता है और गफूर विक्रम से रिक्वेस्ट करता है कि उसे उसकी बेटे की मदद करनी पड़ेगी क्योंकि उसका बेटा खतरे में है। तब उसका बेटा अरसलान बताता है कि वो हैदर के साथ मिला हुआ है और हैदर ने उसे पाकिस्तान जाने के लिए चुना हुआ है, जबकि वो ये सब काम नहीं करना चाहता। जिसके बाद विक्रम बोलता है कि तुम्हें अभी उनके साथ काम करना होगा, तब तक मैं अपने सीनियर के साथ बात कर तुम्हारी हिफाजत का इंतज़ाम करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ फौजियों को कुछ हथियार के ठिकानों का पता चलता है अपने गुप्तचर द्वारा, जिस पर विक्रम और उसकी टीम उन हथियारों को लेने वहाँ जाती है और हथियारों को लेकर जब वो वापस लौट रही होती है तब उन पर कुछ अटैक हो जाता है, जिसमें एक धमाके में फौजी भी घायल हो जाते हैं। चारों तरफ फायरिंग होने के कारण विक्रम के कई सारे सैनिक मारे जाते हैं, जिसमें सूबेदार बंसीलाल भी शामिल होता है। विक्रम यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और अब गुस्से के कारण अपने आप को काबू नहीं कर पाता और इस सब का जिम्मेदार खुद को भी मारना शुरू कर देता है। इसके बाद वो गफूर से मिलता है और उसके बेटे से हैदर का पता पूछता है। हैदर का पता बताने के बाद विक्रम अपने लेफ्टिनेंट कर्नल से मिलने जाता है और उनसे हैदर के लोकेशन पर अटैक करने की इजाज़त मांगता है। तब लेफ्टिनेंट कर्नल बताते हैं कि हैदर कभी भी एक जगह नहीं टिकता, फिर भी उसे वो परमिशन दे देते हैं हैदर के ठिकाने पर अटैक करने की। विक्रम अपनी टीम के साथ हैदर के ठिकाने में पहुंचता है। वहां पर आतंकवादी तो होते हैं लेकिन हैदर नहीं होता। वहीं टीम को खबर मिलती है कि उन्हें वापस आने की चेतावनी मिली है, लेकिन विक्रम को लगता है कि हैदर यहीं है, इसलिए वो वहां पर घुसने की कोशिश करता है, जिसके बाद उन फौजियों पर अटैक हो जाता है आतंकवादियों का। जवाबी भी कार्रवाई में विक्रम के फौजी भी फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। वहीं कुछ औरतें और बच्चे भी होती हैं जो बुरखे में होती हैं, जिसमें उनके फौजी वाले उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। तभी विक्रम की नज़र एक बुरखे वाली औरत पर जाता है जिसने जूते पहन रखे होते हैं। तब उसे समझ में आ जाता है कि ये और कोई नहीं हैदर है, जिसके बाद वो हैदर को पकड़ लेता है और बिना कुछ बोले ही उसे तुरंत मार देता है। विक्रम की इस बहादुरी से कैंप में सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। वहीं विक्रम का घर जाने का भी समय आ जाता है और उसे कुछ दिनों की छुट्टियां मिल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें बर्फीली पहाड़ियों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ आतंकवादी घुस आते हैं और अपने झंडे को हटाकर, यानी कि भारत देश का झंडा हटाकर अपना झंडा लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें विक्रम और डिंपल का सीन दिखाया जाता है, जो एक दूसरे से आज बहुत दिनों बाद मिले होते हैं। विक्रम अपनी छुट्टियां पूरे डिंपल के साथ बिताने की कोशिश करता है और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ बहुत ही खुश रहता है। तभी एक दिन विक्रम को टीवी पर खबर मिलती है कि बॉर्डर पर आतंकवादी हमले होने के कारण आज बॉर्डर की सुरक्षा बहुत ही कमज़ोर हो गई है, जिसके बाद विक्रम अपने दोस्त से बोलता है कि मुझे अब फौज में के लिए वापस जाना होगा क्योंकि बॉर्डर पर हालात बेकाबू हैं। जिस पर उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हारी तो अभी छुट्टी भी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन विक्रम बोलता है कि मेरी ज़रूरत बॉर्डर पर है। जिसके बाद अगले दिन विक्रम डिंपल से मिलकर फौज के लिए वापस रवाना हो जाता है।
हमें कुछ आतंकवादियों द्वारा हमारे फौजियों को टॉर्चर करते हुए दिखाया जाता है और इनकी लाशों को वो चौराहे पर टांग देते हैं। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उन फौजियों को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, जिसके बाद पूरी सेना बौखला जाती है और वॉर की तैयारी करना शुरू कर देती है। इस कैंप में विक्रम बत्रा और उनकी टीम ठहरी होती है, वहाँ पर एक आसमानी फायरिंग शुरू हो जाती है जिसका अंदाज़ा उन्हें बिल्कुल भी नहीं होता है। जिस फायरिंग के दौरान वहाँ पर बहुत से सैनिक मारे जाते हैं और कैप्टन अजय भी उसी टेररिस्ट अटैक में मारे जाते हैं। उसके बाद उनके यूनिट में बहुत सा गुस्सा भरा रहता है और वो वॉर की तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। तभी लेफ्टिनेंट जनरल भी वहाँ पे आते हैं और उन्हें वॉर में जाने की इजाज़त देते हैं और ये भी बताते हैं कि अब से हम तुम्हें कोड नोम नाम से ही बुलाएंगे, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल अपना नाम चाणक्य रखते हैं और कैप्टन जिमी का नाम संग्राम रखते हैं। इस मूवी में कैप्टन विक्रम बत्रा का कोड नेम शेषा होता है, जो हमारी इस मूवी का भी टाइटल है। लेफ्टिनेंट कर्नल बताते हैं कि हमें दो टीम में डिवाइड होकर दुश्मन पर अटैक करना होगा, जिसमें एक टीम में जिमी यानी संग्राम और दूसरी तरफ शेषा यानी विक्रम बत्रा लीड करेंगे टीम को। लेफ्टिनेंट कर्नल बताते हैं कि एरिया 471 बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह है, जहां पर हमें दुश्मन से छुपकर उन पर अटैक करना होगा। जनरल ये भी बताते हैं कि वहां पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, इसलिए हमें पूरी तैयारी के साथ निकलना होगा। जिस पर शेरशाह यानी विक्रम बत्रा बोलते हैं कि हमें रात की तरफ और वहां पर चढ़ाई करनी होगी, क्योंकि दिन के समय दुश्मन हमें देख सकता है। वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट कर्नल ये बोलते हैं कि मैं दूसरी तरफ से जवाबी कार्यवाही करूंगा, जिसमें वो फायरिंग करेंगे और दुश्मन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे, जिस पर उन्हें मौका मिल जाएगा फौजियों को दूसरी ओर से भेजने का। इसके बाद रात में विक्रम और उसकी टीम चढ़ाई करती है, वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट कर्नल जवाबी कार्रवाई करते हैं और दुश्मन का नज़र अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सुबह होते ही शेरशाह और उसकी टीम दुश्मन पर अटैक करती है और पूरे बंकर को उड़ा देती है और अपना झंडा एक बार फिर से सतह पर लहरा देती है। इसके बाद विक्रम बत्रा अपना कोड नेम बताते हुए यह खुशखबरी लेफ्टिनेंट कर्नल तक पहुंचाते हैं, जिसके बाद शेरशाह यानी विक्रम बत्रा लेफ्टिनेंट विक्रम को लेफ्टिनेंट से कैप्टन विक्रम बना दिया जाता है। कैप्टन विक्रम के प्रमोशन होने के बाद उनकी टीम का इंटरव्यू दूरदर्शन चैनल पर होता है, जिसमें विक्रम अपने टीम द्वारा किए गए कारनामों को दुनिया के सामने रखती हैं और अपना कोड नेम भी वो दुनिया को बताते हैं, जिसे डिंपल और उसका परिवार भी देख रहे होते हैं। और शेषा का परिवार यानी विक्रम बत्रा का परिवार यह सब देख कर भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज अपनी फौजों की लाश लेने से मना कर देती है, जिसके बाद विक्रम और उसकी टीम उनकी लाशों को दफनाने का काम करती है। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम को 0.845 के बारे में बताते हैं, जिस पर बताते हैं कि वो अगर हम कब्जे में ले लें तो उसके बाद ये वॉर ख़त्म हो जाएगी। विक्रम अपनी फौज के साथ उस पॉइंट पर अटैक करने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल दूसरे यूनिट को वहाँ पर अटैक करने के लिए भेज रहे होते हैं, लेकिन कैप्टन विक्रम अपनी बातों से कन्विंस कर अपनी टीम को रेडी कर लेता है उस पॉइंट पर अटैक करने के लिए, क्योंकि वो भी वॉर ख़त्म होते हुए देखना चाहता था। अगले दिन विक्रम और उसकी टीम रेडी होकर उस पॉइंट के लिए निकल जाती है, जहाँ पर उन्हें जवाबी कार्रवाई करनी होती है। इसके बाद हमें वॉर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर विक्रम और उसकी टीम सभी बंकरों को निस्तनाबूद कर रही होती है और ज़्यादातर आतंकवादियों को मार चुकी होती। मूवी की स्टार्टिंग में जब हम विक्रम बत्रा को बॉम्ब फेंकते हुए देखते हैं, वहीं से मूवी दोबारा शुरू होती है। विक्रम अपने ग्रेनेड की मदद से उस बंकर को भी उड़ाने में जीत हासिल कर लेता है, लेकिन एक स्नाइपर आतंकवादी दूर से हमारे फौज के कुछ सैनिकों पर हमला कर देता है, जिसके बाद विक्रम अपनी फौज को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्नाइपर वाला आतंकवादी उन पर अटैक कर देता है और वो बुरी तरह घायल हो जाते हैं।
लेकिन दूसरी तरफ उनके आतंकवादी सोल्जर उस स्नाइपर आतंकवादी को देख लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। विक्रम बत्रा वहाँ पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं और वो देखते हैं कि उनकी यूनिट ने उस जगह अपनी जीत हासिल कर ली है और यहाँ पर वॉर ख़त्म हो गई है। लेकिन विक्रम बत्रा यहाँ पर शहीद हो जाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके शहर की पूरी पब्लिक और भीड़ जमा हो जाती है और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर फायरिंग भी होती है जो फौजियों की एक स्पेशल फायरिंग होती है। वहीं डिंपल भी विक्रम बत्रा के श्रद्धांजलि स्थल पर आती है लेकिन उन्हें विक्रम की बॉडी तक को भी देखने का मौका नहीं मिलता जिसके बाद वो भी वहाँ रोने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि विक्रम का जो भाई जो उसी का एक हमशक्ल है यह कहानी सबको सुनाता है। मूवी के लास्ट में हमें असल विक्रम बत्रा की फुटेज भी दिखाई जाती है। इन्होंने अपने आखिरी टाइम में भी बॉर्डर पर अपनी सेना का साथ नहीं छोड़ा था और यहीं पर इस मूवी का डी एंड हो जाता है। तो गाइस आपको ये मूवी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक वॉर का सीन दिखाया जाता है जहां पर विक्रम बत्रा और उसकी टीम लड़ रहे होते हैं। दुश्मन की तरफ से भी लगातार फायरिंग होने के कारण भी विक्रम बत्रा अपनी टीम को लीड कर रहे थे और दोनों तरफ से निस्तब्ध फायरिंग हो रही थी। तभी विक्रम बत्रा का एक सैनिक एक रॉकेट लॉन्चर से उस एरिया में ब्लास्ट करता है जहां पर दुश्मन छुपे रहते हैं और उनके बंकर को तबाह कर देता है। बंकर तबाह होने के बाद फायरिंग आना बंद हो जाती है। जैसा उन्हें लगता है वैसा नहीं होता। जब वो बंकर की तरफ बढ़ रहे होते हैं तब वहाँ से फिर से फायरिंग शुरू हो जाती है जिसके बाद विक्रम बत्रा अपने सैनिक को पीछे आने की चेतावनी देते हैं और उसके दौरान उनके कुछ सैनिक घायल हो जाते हैं और कुछ मारे जाते हैं। इसके बाद विक्रम बत्रा अपनी टीम को बताते हैं कि अभी भी एक बंकर शामिल है जिसे हमें पूरी तरह निस्तनाबूत करना है, इसके बाद हम जीत जाएंगे। विक्रम बत्रा के पास एक ग्रेनेड होता है जिसकी मदद से वो दुश्मन को निस्तनाबूत करने की प्लानिंग बनाते हैं और अपनी टीम को उन्हें कवर देने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद विक्रम बत्रा भागते हुए ग्रेनेड को आसमान की तरफ उछालते हैं और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें विक्रम बत्रा के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ बैट बॉल खेल रहे होते हैं। जब विक्रम अपने भाई और दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा होता है तब बॉल एक लड़के को जाकर लग जाती है, जिसके बाद विक्रम उस लड़के से अपना बॉल मांगने जाता है लेकिन लड़का गुस्से में उसे बॉल देने से मना कर देता है, जिसके बाद दोनों में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई के बीच विक्रम किसी तरह बॉल लेकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद जब विक्रम घर पहुंचता है तब उसके पिता उसके सामने खड़े होते हैं और उसे बहुत कुछ सुनाते हैं और बोलते हैं कि जिस लड़के से तुमने लड़ाई की वो तुमसे 10 साल बड़ा था इसलिए तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद मूवी का सीन विक्रम के भाई की तरफ मूव करा जाता है जो एक स्टेज पर खड़ा होकर विक्रम की कहानियाँ बता रहा होता है। वो बताता है कि बचपन में दूरदर्शन पर एक शो आता था परवीर चक्र जिसमें फौजों के बारे में और उसकी ट्रेनिंग के बारे में लोगों को दिखाया जाता था लेकिन उस टाइम बहुत कम ही घरों में टीवी होता था, इसलिए विक्रम किसी तरह अपने पड़ोसी के घर में जाता था और वहां पर जाकर परमवीर चक्र वाला शो देखता था और बचपन से ही उसने तय कर लिया था कि उसे फौज में जाना है। विक्रम जब भी गणतंत्र दिवस पर स्कूल में जाता था तो सभी बच्चे वाइट ड्रेस पहनकर स्कूल में आते थे लेकिन विक्रम हमेशा फौजी की ड्रेस पहनकर स्कूल में आता था और सल्यूट मारता था। विक्रम के हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर विक्रम अब 2-स्टार फौजी बन गया है और उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में की गई है। विक्रम को रिसीव करने के लिए कैप्टन राजीव कपूर सुवेदार बंसी लाल उन्हें रिसीव करने आते हैं और उन्हें अपने कैंप में ले जाते हैं। कैंप में पहुँचने के बाद विक्रम अपने सभी टीम मेंबर को नमस्ते बोलते हैं और अपने बारे में भी बताते हैं।
कैंप के अंदर जाने के बाद उनकी मुलाकात एक लेफ्टिनेंट से होती है जिन्हें वो अपना सैल्यूट देते हैं। वहीं कैप्टन जिमी जो कैंप में ही रहते हैं उनकी मुलाकात भी विक्रम बत्रा से होती है। विक्रम बत्रा को कई दिन कश्मीर में बीत जाते हैं और उनकी अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है। लोग उन्हें बहुत इज्जत और सम्मान भी देते हैं। इसके बाद हमें कश्मीर में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम गफूर होता है, जो विक्रम बत्रा की काफ़ी इज्जत करता है और विक्रम बत्रा भी उन्हें अपने पिता समान मानते हैं। गफूर अपने बेटे को विक्रम बत्रा को चाय सौंपने के लिए बोलता है। गफूर बताता है कि उसका बेटा कुछ दिनों से लापता था, लेकिन उसका बेटा बोलता है कि वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था। इसके बाद विक्रम बत्रा और उनकी टीम नेक्स्ट पॉइंट पर चेकिंग करने के लिए जा रही होती है। तब कैप्टन जिमी बोलते हैं कि हमें इन लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर रखना चाहिए क्योंकि ये लोग खतरनाक भी हो सकते हैं। जिस पर लेफ्टिनेंट विक्रम बोलते हैं कि अगर हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे तो वो भी हम पर विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद विक्रम बत्रा और उनकी टीम नेक्स्ट चेक पॉइंट पर पहुँच जाती है। उन्हें खबर मिलती है कि कुछ हथियार यहाँ से ट्रांसपोर्ट होने वाले हैं, लेकिन उन्हें चेकिंग करते हुए 3 घंटे बीत जाते हैं और विक्रम बत्रा को लगता है कि उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। तभी कुछ आतंकवादियों की गाड़ी पीछे से आती है और फौजियों को देखकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रम की नज़र उन पर पड़ जाती है और वो तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अपनी ओर आते हुए विक्रम को देखने पर फौजी उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिस पर वहां से भगदड़ मच जाती है। विक्रम फिर भी उन फौजियों से कवर मांगते हुए आतंकवादियों के सामने पहुँचने की कोशिश करता है। लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, विक्रम उन्हें भी शांति से रहने के लिए बोलता है। विक्रम आगे बढ़ते हुए सभी आतंकवादियों को मारने लगता है। जब आतंकवादियों का लीडर भागने की कोशिश करता है तब विक्रम बत्रा उसके पैर पर गोली मारकर उसे वहां रोक लेते हैं और सभी आतंकवादियों को पकड़ लिया जाता है। लेकिन कैप्टन जिमी विक्रम पर गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि वो उसके ऑर्डरों को फॉलो नहीं कर रहा होता है। इसके बाद हमें कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूबेदार कैप्टन विक्रम की तारीफ कर रहा होता है और सभी फौजी बोलते हैं कि जब आप कैप्टन बनेंगे तब हमें अपनी यूनिट में ज़रूर शामिल कीजिएगा, और उनकी बहुत सी तारीफ भी करते हैं। जिसके बाद कैप्टन जिमी भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद कैप्टन जिमी बोलते हैं कि तुम मुझे आज से जिमी बोल सकते हैं क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे 6 महीने ही सीनियर हूँ। और इसके बाद कैप्टन विक्रम और जिमी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद विक्रम के पास एक लेटर आता है जो उसकी बीवी डिंपल का होता है, जिसके बाद विक्रम कुछ मुस्कुराता है। और उसके बाद इस कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कॉलेज टाइम चल रहा होता है जहाँ पर विक्रम पढ़ रहा होता है और उसकी नज़र एक डिंपल नाम की लड़की पर पड़ती है और उसे वो पहली नज़र में ही पसंद करने लगता है। शुरुआत में डिंपल विक्रम की तरफ देखती भी नहीं थी, लेकिन जब वो विक्रम की तरफ देखती है और उसकी तरफ मुस्कुराती है तब विक्रम को लगता है कि अब उसका काम चल जाएगा। इस बात से खुश होकर विक्रम अपने दोस्तों को पार्टी देने की कोशिश करता है और उन्हें आर्मी कैंट में ले जाता है। कैंटीन में जाने के बाद कैंटीन में एक सर्विसमैन रहता है जो विक्रम को बोलता है कि ये शराब सिर्फ फौजियों के लिए है, जिसके बाद विक्रम कसम खा लेता है कि जब तक वो फौजी नहीं बनेगा तब तक वो शराब की एक बूंद भी नहीं पिएगा। वहीं कुछ दिनों बाद विक्रम और उनका ग्रुप एक टूर पे जाता है जहां पर डिंपल भी मौजूद होती है, जिसमें डिंपल और विक्रम काफ़ी मस्ती भी करते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को अब पसंद भी करने लगते हैं। इसके बाद उनके प्यार को कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जब विक्रम डिंपल को छोड़ने उसके घर जाता है तब वो उसे प्रपोज करता है। उसे प्रपोज करते हुए डिंपल के पिता उसे देख लेते हैं और विक्रम को अपने घर में बुलाते हैं, जिसके बाद डिंपल के पिता उसे बताते हैं कि तुम खत्री पंजाबी हो और हम सिख हैं, इसलिए यह रिश्ता तय नहीं हो सकता। इसके बाद विक्रम अपने घर जाता है और यही बात वो अपने घर वालों को बताता है, लेकिन उसके घर वाले खुशी से झूम उठते हैं और रिश्ते के लिए मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिंपल जब अगले दिन अपने घर पहुंचती है तब उसके पिता उसे बताते हैं कि हमने तुम्हारा रिश्ता
एक लड़के के साथ तय कर दिया होता है, जिसके बाद डिंपल गुस्सा होती है और बोलती है कि वो जब भी शादी करेगी तो विक्रम के साथ ही करेगी। वहीं दूसरी तरफ विक्रम अपने दोस्त से मिलता है और बोलता है कि वो अब फौज में ना जाकर नेवी में जाएगा, जिस पर विक्रम का दोस्त समझाता है कि ये लड़की कल ही आई है और तुम अपने बचपन के सपने को छोड़कर नेवी में नहीं जा सकते। इसके बाद विक्रम डिंपल से मिलता है, तब वो डिंपल को बताता है कि मेरा सपना बचपन से ही आर्मी में जाने का है, इसलिए मैं नेवी में नहीं जा सकता और मैं आर्मी में ही जाना पसंद करूँगा। जिसके बाद डिंपल नाराज़ हो जाती है और जाते हुए विक्रम को बोलती है, जब तक तुम्हारा फौजी में सिलेक्शन ना हो जाए तब तक मुझे कॉल मत करना। यानी कि डिंपल विक्रम से नाराज़ नहीं होती है, बस उसे खुश करने की कोशिश करती है। वहीं मूवी का सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट किया जाता है, जहां पर विक्रम अपने दोस्तों के साथ ये सब बातें शेयर कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन जिमी भी आ जाते हैं और विक्रम को बताते हैं कि जिस आतंकवादी को तुमने पकड़ा है वो हैदर का राइट हैंड है। जिसके बाद जिमी बताते हैं कि अब हैदर चुपचाप नहीं रहेगा और हमारी टीम को कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर करेगा। जिसके बाद मूवी का सीन हैदर की तरफ मूव किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम जिमी से पूछता है कि उन्हें इस सोर्स की जानकारी कहां से मिली। तब जिमी बताता है कि हम सोर्स की जानकारी नहीं बता सकते कि हमें कहां से मिली और कैसे मिली, क्योंकि ये बातें सीक्रेट होती हैं। वहीं दूसरी तरफ हैदर उन लोगों को मार देता है जिन्होंने सोर्स की जानकारी फौजी तक पहुँचाई थी। हम देखते हैं कि गफूर का बेटा भी उन्हीं आतंकवादियों के साथ शामिल होता है और हैदर ने उनके साथ कुछ लड़कों को पाकिस्तान भेजने के लिए चुना होता है। हैदर उन जासूसों की लाशों को चौराहे पर टांग देता है, जिसके बाद विक्रम बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है। लेकिन विक्रम के कैप्टन वहां पर आते हैं और विक्रम और जिमी की तारीफ करते हैं, बताते हैं हकाउल्ला जो हैदर का राइट हैंड था उन्हें पकड़ कर तुमने बहुत ही बहादुरी वाला काम किया है। अपने कैप्टन से मिलने के बाद जब विक्रम रात को चेकिंग पोस्ट पर जा रहा होता है तब उसे गफूर मिलता है और गफूर विक्रम से रिक्वेस्ट करता है कि उसे उसकी बेटे की मदद करनी पड़ेगी क्योंकि उसका बेटा खतरे में है। तब उसका बेटा अरसलान बताता है कि वो हैदर के साथ मिला हुआ है और हैदर ने उसे पाकिस्तान जाने के लिए चुना हुआ है, जबकि वो ये सब काम नहीं करना चाहता। जिसके बाद विक्रम बोलता है कि तुम्हें अभी उनके साथ काम करना होगा, तब तक मैं अपने सीनियर के साथ बात कर तुम्हारी हिफाजत का इंतजाम करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ फौजियों को कुछ हथियार के ठिकानों का पता चलता है अपने गुप्तचर द्वारा, जिस पर विक्रम और उसकी टीम उन हथियारों को लेने वहाँ जाती है और हथियारों को लेकर जब वो वापस लौट रही होती है तब उन पर कुछ अटैक हो जाता है, जिसमें एक धमाके में फौजी भी घायल हो जाते हैं। चारों तरफ फायरिंग होने के कारण विक्रम के कई सारे सैनिक मारे जाते हैं, जिसमें सूबेदार बंसीलाल भी शामिल होता है। विक्रम यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और अपने गुस्से के कारण अपने आप को काबू नहीं कर पाता और इस सब का जिम्मेदार खुद को भी मानना शुरू कर देता है। इसके बाद वो गफूर से मिलता है और उसके बेटे से हैदर का पता पूछता है। हैदर का पता बताने के बाद विक्रम अपने लेफ्टिनेंट कर्नल से मिलने जाता है और उनसे हैदर के लोकेशन पर अटैक करने की इजाज़त मांगता है। तब लेफ्टिनेंट कर्नल बताते हैं कि हैदर कभी भी एक जगह नहीं टिकता, फिर भी उसे वो परमिशन दे देते हैं हैदर के ठिकाने पर अटैक करने की। विक्रम अपनी टीम के साथ हैदर के ठिकाने में पहुँचता है। वहाँ पर आतंकवादी तो होते हैं लेकिन हैदर नहीं होता। वहीं टीम को खबर मिलती है कि उन्हें वापस आने की चेतावनी मिली है, लेकिन विक्रम को लगता है कि हैदर यहीं है, इसलिए वो वहाँ पर घुसने की कोशिश करता है, जिसके बाद उन फौजियों पर अटैक हो जाता है आतंकवादियों का। जवाबी भी कार्रवाई में विक्रम के फौजी भी फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। वहीं कुछ औरतें और बच्चे भी होती हैं जो बुरखे में होती हैं, जिसमें उनके फौजी वाले उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। तभी विक्रम की नज़र एक बुरखे वाली औरत पर जाता है जिसने जूते पहन रखे होते हैं। तब उसे समझ में आ जाता है कि ये और कोई नहीं हैदर है, जिसके बाद वो हैदर को पकड़ लेता है
और बिना कुछ बोले ही उसे तुरंत मार देता है। विक्रम की इस बहादुरी से कैंप में सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। वहीं विक्रम का घर जाने का भी समय आ जाता है और उसे कुछ दिनों की छुट्टियां मिल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें बर्फीली पहाड़ियों का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ आतंकवादी घुस आते हैं और अपने झंडे को हटाकर, यानी कि भारत देश का झंडा हटाकर अपना झंडा लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें विक्रम और डिम्पल का सीन दिखाया जाता है, जो एक दूसरे से आज बहुत दिनों बाद मिले होते हैं। विक्रम अपनी छुट्टियां पूरे डिम्पल के साथ बिताने की कोशिश करता है और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ बहुत ही खुश रहता है। तभी एक दिन विक्रम को टीवी पर खबर मिलती है कि बॉर्डर पर आतंकवादी हमले होने के कारण आज बॉर्डर की सुरक्षा बहुत ही कमज़ोर हो गई है। जिसके बाद विक्रम अपने दोस्त से बोलता है कि मुझे अब फौज में लिए वापस जाना होगा, क्योंकि बॉर्डर पर हालात बेकाबू हैं। जिस पर उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हारी तो अभी छुट्टी भी ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन विक्रम बोलता है कि मेरी ज़रूरत बॉर्डर पर है। जिसके बाद अगले दिन विक्रम डिम्पल से मिलकर फौज के लिए वापस रवाना हो जाता है। हमें कुछ आतंकवादियों द्वारा हमारे फौजियों को टॉर्चर करते हुए दिखाया जाता है और जिनकी लाशों को वो चौराहे पर टांग देते हैं। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उन फौजियों को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। जिसके बाद पूरी सेना बौखला जाती है और वॉर की तैयारी करना शुरू कर देती है। इस कैंप में विक्रम बत्रा और उनकी टीम ठहरी होती है। वहाँ पर एक आसमानी फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसका अंदाज़ा उन्हें बिल्कुल भी नहीं होता है। जिस फायरिंग के दौरान वहाँ पर बहुत से सैनिक मारे जाते हैं और कैप्टन अजय भी उसी टेररिस्ट अटैक में मारे जाते हैं। इसके बाद उनके यूनिट में बहुत सा गुस्सा भरा रहता है और वो वॉर की तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। तभी लेफ्टिनेंट जनरल भी वहाँ पे आते हैं और उन्हें वॉर में जाने की इजाज़त देते हैं और ये भी बताते हैं कि अब से हम तुम्हें कोड नो नाम से ही बुलाएंगे। जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल अपना नाम चाणक्य रखते हैं और कैप्टन जिमी का नाम संग्राम रखते हैं। इस मूवी में कैप्टन विक्रम बत्रा का कोड नेम शेषा होता है, जो हमारी इस मूवी का भी टाइटल है। लेफ्टिनेंट कर्नल बताते हैं कि हमें दो टीम में डिवाइड होकर दुश्मन पर अटैक करना होगा, जिसमें एक टीम में जिमी यानी संग्राम और दूसरी तरफ शेषा यानी विक्रम बत्रा लीड करेंगे टीम को। लेफ्टिनेंट कर्नल बताते हैं कि एरिया 471 बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह है, जहां पर हमें दुश्मन से छुपकर उन पर अटैक करना होगा। जनरल ये भी बताते हैं कि वहां पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, इसलिए हमें पूरी तैयारी के साथ निकलना होगा। जिस पर शेरशाह यानी विक्रम बत्रा बोलते हैं कि हमें रात की तरफ और वहाँ पर चढ़ाई करनी होगी, क्योंकि दिन के समय दुश्मन हमें देख सकता है। वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट कर्नल ये बोलते हैं कि मैं दूसरी तरफ से जवाबी कार्यवाही करूंगा, जिसमें वो फायरिंग करेंगे और दुश्मन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे, जिस पर उन्हें मौका मिल जाएगा फौजियों को दूसरी ओर से भेजने का। इसके बाद रात में विक्रम और उसकी टीम चढ़ाई करती है। वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट कर्नल जवाबी कार्रवाई करते हैं और दुश्मन का नज़र अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सुबह होते ही शेरशाह और उसकी टीम दुश्मन पर अटैक करती है और पूरे बंकर को उड़ा देती है और अपना झंडा एक बार फिर से सतह पर लहरा देती है। इसके बाद विक्रम बत्रा अपना कोड नेम बताते हुए यह खुशखबरी लेफ्टिनेंट कर्नल तक पहुँचाते हैं, जिसके बाद शेरशाह यानी विक्रम बत्रा लेफ्टिनेंट विक्रम को लेफ्टिनेंट से कैप्टन विक्रम बना दिया जाता है। कैप्टन विक्रम के प्रमोशन होने के बाद उनकी टीम का इंटरव्यू दूरदर्शन चैनल पर होता है, जिसमें विक्रम अपने टीम द्वारा किए गए कारनामों को दुनिया के सामने रखती हैं और अपना कोड नेम भी वो दुनिया को बताते हैं, जिसे डिम्पल और उसका परिवार भी देख रहे होते हैं। और शेरशाह का परिवार यानी विक्रम बत्रा का परिवार यह सब देख कर भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज अपनी फौजियों की लाश लेने से मना कर देती है, जिसके बाद विक्रम और उसकी टीम
उनकी लाशों को दफनाने का काम करती है। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम को .845 के बारे में बताते हैं, जिस पर बताते हैं कि वो अगर हम कब्जे में ले लें तो उसके बाद ये वॉर ख़त्म हो जाएगी। विक्रम अपनी फौज के साथ उस पॉइंट पर अटैक करने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल दूसरे यूनिट को वहाँ पर अटैक करने के लिए भेज रहे होते हैं, लेकिन कैप्टन विक्रम अपनी बातों से कन्विंस कर अपनी टीम को रेडी कर लेता है उस पॉइंट पर अटैक करने के लिए, क्योंकि वो भी वॉर ख़त्म होते हुए देखना चाहता था। अगले दिन विक्रम और उसकी टीम रेडी होकर उस पॉइंट के लिए निकल जाती है जहां पर उन्हें जवाबी कार्रवाई करनी होती है। इसके बाद हमें वॉर का सीन दिखाया जाता है जहां पर विक्रम और उसकी टीम सभी बंकरों को निस्तनाबूद कर रही होती है और ज़्यादातर आतंकवादियों को मार चुकी होती। मूवी की स्टार्टिंग में जब हम विक्रम बत्रा को बॉम्ब फेंकते हुए देखते हैं, वहीं से मूवी दोबारा शुरू होती है। विक्रम अपने ग्रेनेड की मदद से उस बंकर को भी उड़ाने में जीत हासिल कर लेता है, लेकिन एक स्नाइपर आतंकवादी दूर से हमारे फौज के कुछ सैनिकों पर हमला कर देता है, जिसके बाद विक्रम अपनी फौज को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्नाइपर वाला आतंकवादी उन पर अटैक कर देता है और वो बुरी तरह घायल हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके आतंकवादी सोल्जर उस स्नाइपर आतंकवादी को देख लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। विक्रम बत्रा वहाँ पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं और वो देखते हैं कि उनकी यूनिट ने उस जगह अपनी जीत हासिल कर ली है और यहाँ पर वॉर ख़त्म हो गई है, लेकिन विक्रम बत्रा यहाँ पर शहीद हो जाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके शहर की पूरी पब्लिक और भीड़ जमा हो जाती है और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर फायरिंग भी होती है, जो फौजियों की एक स्पेशल फायरिंग होती है। वहीं डिंपल भी विक्रम बत्रा के श्रद्धांजलि स्थल पर आती है, लेकिन उन्हें विक्रम की बॉडी तक को भी देखने का मौका नहीं मिलता, जिसके बाद वो भी वहाँ रोने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि विक्रम का जो भाई, जो उसी का एक हमशक्ल है, यह कहानी सबको सुनाता है। मूवी के लास्ट में हमें असल विक्रम बत्रा की फुटेज भी दिखाई जाती है। उन्होंने अपने आखिरी टाइम में भी बॉर्डर पर अपनी सेना का साथ नहीं छोड़ा था और यहीं पर इस मूवी का डी एंड हो जाता है। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विक्रम बत्रा और उसकी टीम लड़ रहे होते हैं। दुश्मन की तरफ से भी लगातार फायरिंग होने के कारण भी विक्रम बत्रा अपनी टीम को लीड कर रहे थे और दोनों तरफ से निस्तबूत फायरिंग हो रही थी। तभी विक्रम बत्रा का एक सैनिक एक रॉकेट लॉन्चर से उस एरिया में ब्लास्ट करता है जहाँ पर दुश्मन छुपे रहते हैं और उनके बंकर को तबाह कर देता है। बंकर तबाह होने के बाद फायरिंग आना बंद हो जाती है। जैसा उन्हें लगता है वैसा नहीं होता। जब वो बंकर की तरफ बढ़ रहे होते हैं तब वहां से फिर से फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसके बाद विक्रम बत्रा अपने सैनिक को पीछे आने की चेतावनी देते हैं और उसके दौरान उनके कुछ सैनिक घायल हो जाते हैं और कुछ मारे जाते हैं। इसके बाद विक्रम बत्रा अपनी टीम को बताते हैं कि अभी भी एक बंकर शामिल है जिसे हमें पूरी तरह निस्तनाबूद करना है, इसके बाद हम जीत जाएंगे। विक्रम बत्रा के पास एक ग्रेनेड होता है जिसकी मदद से वो दुश्मन को निस्तनाबूद करने की प्लानिंग बनाते हैं और अपनी टीम को उन्हें कवर देने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद विक्रम बत्रा भागते हुए ग्रेनेड को आसमान की तरफ उछालते हैं और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें विक्रम बत्रा के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ बैट बॉल खेल रहे होते हैं। जब विक्रम अपने भाई और दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा होता है तब बॉल एक लड़के को जाकर लग जाती है, जिसके बाद विक्रम उस लड़के से अपना बॉल मांगने जाता है, लेकिन लड़का गुस्से में उसे बॉल देने से मना कर देता है, जिसके बाद दोनों में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई के बीच विक्रम किसी तरह बॉल लेकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद जब विक्रम घर पहुंचता है तब उसके पिता उसके सामने खड़े होते हैं और उसे बहुत कुछ सुनाते हैं और बोलते हैं कि जिस लड़के से तुमने लड़ाई की
वो तुमसे 10 साल बड़ा था, इसलिए तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद मूवी का सीन विक्रम के भाई की तरफ मूव करा जाता है, जो एक स्टेज पर खड़ा होकर विक्रम की कहानियाँ बता रहा होता है। वो बताता है कि बचपन में दूरदर्शन पर एक शो आता था परवीर चक्र, जिसमें फौजों के बारे में और उसकी ट्रेनिंग के बारे में लोगों को दिखाया जाता था, लेकिन उस टाइम बहुत कम ही घरों में टीवी होता था। इसलिए विक्रम किसी तरह अपने पड़ोसी के घर में जाता था और वहां पर जाकर परमवीर चक्र वाला शो देखता था, और बचपन से ही उसने तय कर लिया था कि उसे फौज में जाना है। विक्रम जब भी गणतंत्र दिवस पर स्कूल में जाता था तो सभी बच्चे वाइट ड्रेस पहनकर स्कूल में आते थे, लेकिन विक्रम हमेशा फौजी की ड्रेस पहनकर स्कूल में आता था और सल्यूट मारता था। विक्रम के हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर विक्रम अब 2-स्टार फौजी बन गया है और उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में की गई है। विक्रम को रिसीव करने के लिए कैप्टन राजीव कपूर, सुवेदार बंसी लाल उन्हें रिसीव करने आते हैं और उन्हें अपने कैंप में ले जाते हैं। कैंप में पहुंचने के बाद विक्रम अपने सभी टीम मेंबर को नमस्ते बोलते हैं और अपने बारे में भी बताते हैं। कैंप के अंदर जाने के बाद उनकी मुलाकात एक लेफ्टिनेंट से होती है, जिन्हें वो अपना सल्यूट देते हैं। वहीं कैप्टन जिमी, जो कैंप में ही रहते हैं, उनकी मुलाकात भी विक्रम बत्रा से होती है। विक्रम बत्रा को कई दिन कश्मीर में बीत जाते हैं और उनकी अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है। वो लोग उन्हें बहुत इज्जत और सम्मान भी देते हैं। इसके बाद हमें कश्मीर में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम गफूर होता है, जो विक्रम बत्रा की काफ़ी इज्जत करता है और विक्रम बत्रा भी उन्हें अपने पिता समान मानते हैं। गफूर अपने बेटे को विक्रम बत्रा को चाय सौंपने के लिए बोलता है। गफूर बताता है कि उसका बेटा कुछ दिनों से लापता था, लेकिन उसका बेटा बोलता है कि वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था। इसके बाद विक्रम बत्रा और उनकी टीम नेक्स्ट पॉइंट पर चेकिंग करने के लिए जा रही होती है। तब कैप्टन जिमी बोलते हैं कि हमें इन लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग खतरनाक भी हो सकते हैं। जिस पर लेफ्टिनेंट विक्रम बोलते हैं कि अगर हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे तो वो भी हम पर विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद विक्रम बत्रा और उनकी टीम नेक्स्ट चेक पॉइंट पर पहुंच जाती है। उन्हें खबर मिलती है कि कुछ हथियार यहाँ से ट्रांसपोर्ट होने वाले हैं, लेकिन उन्हें चेकिंग करते हुए 3 घंटे बीत जाते हैं और विक्रम बत्रा को लगता है कि उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। तभी कुछ आतंकवादियों की गाड़ी पीछे से आती है और फौजियों को देखकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रम की नज़र उन पर पड़ जाती है और वो तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अपनी ओर आते हुए विक्रम को देखने पर फौजी उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिस पर वहां से भगदड़ मच जाती है। विक्रम फिर भी उन फौजियों से कवर मांगते हुए आतंकवादियों के सामने पहुँचने की कोशिश करता है। लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, विक्रम उन्हें भी शांति से रहने के लिए बोलता है। विक्रम आगे बढ़ते हुए सभी आतंकवादियों को मारने लगता है। जब आतंकवादियों का लीडर भागने की कोशिश करता है, तब विक्रम बत्रा उसके पैर पर गोली मारकर उसे वहां रोक लेते हैं और सभी आतंकवादियों को पकड़ लिया जाता है। लेकिन कैप्टन जिमी विक्रम पर गुस्सा कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उसके ऑर्डरों को फॉलो नहीं कर रहा होता है। इसके बाद हमें कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सूबेदार कैप्टन विक्रम की तारीफ कर रहा होता है और सभी फौजी बोलते हैं कि जब आप कैप्टन बनेंगे तब हमें अपनी यूनिट में ज़रूर शामिल कीजिएगा, और उनकी बहुत सी तारीफ भी करते हैं। जिसके बाद कैप्टन जिमी भी वहां पर आ जाते हैं, जिसके बाद कैप्टन जिमी बोलते हैं कि तुम मुझे आज से जिमी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे 6 महीने ही सीनियर हूँ। और इसके बाद कैप्टन विक्रम और जिमी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद विक्रम के पास एक लेटर आता है, जो उसकी बीवी डिंपल का होता है, जिसके बाद विक्रम कुछ मुस्कुराता है और उसके बाद इस कहानी को फ्लैश बैक में दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि कॉलेज टाइम चल रहा होता है, जहाँ पर विक्रम पढ़ रहा होता है और उसकी नज़र एक डिंपल नाम की लड़की पर पड़ती है और उसे वो पहली नज़र में ही पसंद करने लगता है। शुरुआत में डिंपल विक्रम की तरफ देखती भी नहीं थी, लेकिन जब वो विक्रम की तरफ देखती है और उसकी तरफ मुस्कुराती है, तब विक्रम को लगता है कि अब उसका काम चल जाएगा। इस बात से खुश होकर विक्रम
अपने दोस्तों को पार्टी देने की कोशिश करता है और उन्हें आर्मी कैंट में ले जाता है। कैंटिंग में जाने के बाद कैंटिंग में एक सर्विसमैन रहता है जो विक्रम को बोलता है कि ये शराब सिर्फ फौजियों के लिए है, जिसके बाद विक्रम कसम खा लेता है कि जब तक वो फौजी नहीं बनेगा तब तक वो शराब की एक बूंद भी नहीं पिएगा। वहीं कुछ दिनों बाद विक्रम और उनका ग्रुप एक टूर पर जाता है जहाँ पर डिम्पल भी मौजूद होती है, जिसमें डिम्पल और विक्रम काफ़ी मस्ती भी करते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को अब पसंद भी करने लगते हैं। इसके बाद उनके प्यार को कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जब विक्रम डिम्पल को छोड़ने उसके घर जाता है तब वो उसे प्रपोज करता है। उसे प्रपोज करते हुए डिम्पल के पिता उसे देख लेते हैं और विक्रम को अपने घर में बुलाते हैं, जिसके बाद डिम्पल के पिता उसे बताते हैं कि तुम खत्री पंजाबी हो और हम सिख हैं, इसलिए यह रिश्ता तय नहीं हो सकता। इसके बाद विक्रम अपने घर जाता है और यही बात वो अपने घर वालों को बताता है, लेकिन उसके घर वाले खुशी से झूम उठते हैं और रिश्ते के लिए मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिम्पल जब अगले दिन अपने घर पहुँचती है तब उसके पिता उसे बताते हैं कि हमने तुम्हारा रिश्ता एक लड़के के साथ तय कर दिया होता है, जिसके बाद डिम्पल गुस्सा होती है और बोलती है कि वो जब भी शादी करेगी तो विक्रम के साथ ही करेगी। वहीं दूसरी तरफ विक्रम अपने दोस्त से मिलता है और बोलता है कि वो अब फौज में ना जाकर नेवी में जाएगा, जिस पर विक्रम का दोस्त समझाता है कि ये लड़की कल ही आई है और तुम अपने बचपन के सपने को छोड़कर नेवी में नहीं जा सकते। इसके बाद विक्रम डिम्पल से मिलता है तब वो डिम्पल को बताता है कि मेरा सपना बचपन से ही आर्मी में जाने का है, इसलिए मैं नेवी में नहीं जा सकता और मैं आर्मी में ही जाना पसंद करूंगा। इसके बाद डिम्पल नाराज़ हो जाती है और जाते हुए विक्रम को बोलती है जब तक तुम्हारा फौजी में सिलेक्शन ना हो जाए तब तक मुझे कॉल मत करना, यानी कि डिम्पल विक्रम से नाराज़ नहीं होती है, बस उसे खुश करने की कोशिश करती है। वहीं मूवी का सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर विक्रम अपने दोस्तों के साथ ये सब बातें शेयर कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन जिमी भी आ जाते हैं और विक्रम को बताते हैं कि जिस आतंकवादी को तुमने पकड़ा है वो हैदर का राइट हैंड है, जिसके बाद जिमी बताते हैं कि अब हैदर चुपचाप नहीं रहेगा और हमारी टीम को कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर करेगा, जिसके बाद मूवी का सीन हैदर की तरफ मूव किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम जिमी से पूछता है कि उन्हें इस सोर्स की जानकारी कहाँ से मिली, तब जिमी बताता है कि हम सोर्स की जानकारी नहीं बता सकते कि हमें कहां से मिली और कैसे मिली, क्योंकि ये बातें सीक्रेट होती हैं। वहीं दूसरी तरफ हैदर उन लोगों को मार देता है जिन्होंने सोर्स की जानकारी फौजी तक पहुंचाई थी। हम देखते हैं कि गफूर का बेटा भी उन्हीं आतंकवादियों के साथ शामिल होता है और हैदर ने उनके साथ कुछ लड़कों को पाकिस्तान भेजने के लिए चुना होता है। हैदर उन जासूसों की लाशों को चौराहे पर टांग देता है, जिसके बाद विक्रम बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है, लेकिन विक्रम के कैप्टन वहां पर आते हैं और विक्रम और जिमी की तारीफ़ करते हैं, बताते हैं हकाउल्ला जो हैदर का राइट हैंड था उन्हें पकड़कर तुमने बहुत ही बहादुरी वाला काम किया है। अपने कैप्टन से मिलने के बाद जब विक्रम रात को चेकिंग पोस्ट पर जा रहा होता है तब उसे गफूर मिलता है और गफूर विक्रम से रिक्वेस्ट करता है कि उसे उसकी बेटे की मदद करनी पड़ेगी क्योंकि उसका बेटा खतरे में है। तब उसका बेटा अरसलान बताता है कि वो हैदर के साथ मिला हुआ है और हैदर ने उसे पाकिस्तान जाने के लिए चुना हुआ है, जबकि वो ये सब काम नहीं करना चाहता। इसके बाद विक्रम बोलता है कि तुम्हें अभी उनके साथ काम करना होगा, तब तक मैं अपने सीनियर के साथ बात कर तुम्हारी हिफाजत का इंतज़ाम करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ फौजियों को कुछ हथियार के ठिकानों का पता चलता है अपने गुप्तचर द्वारा, जिस पर विक्रम और उसकी टीम उन हथियारों को लेने वहाँ जाती है और हथियारों को लेकर जब वो वापस लौट रही होती है तब उन पर कुछ अटैक हो जाता है, जिसमें एक धमाके में फौजी भी घायल हो जाते हैं। चारों तरफ फायरिंग होने के कारण विक्रम के कई सारे सैनिक मारे जाते हैं, जिसमें सूबेदार बंसीलाल भी शामिल होता है। विक्रम यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और अब गुस्से के कारण अपने आप को काबू नहीं कर पाता।
और इस सब का जिम्मेदार खुद को भी मानना शुरू कर देता है। इसके बाद वो कफूर से मिलता है और उसके बेटे से हैदर का पता पूछता है। हैदर का पता बताने के बाद विक्रम अपने लेफ्टिनेंट कर्नल से मिलने जाता है और उनसे हैदर के लोकेशन पर अटैक करने की इजाज़त मांगता है। तब लेफ्टिनेंट कर्नल बताते हैं कि हैदर कभी भी एक जगह नहीं टिकता, फिर भी उसे वो परमिशन दे देते हैं हैदर के ठिकाने पर अटैक करने की। विक्रम अपनी टीम के साथ हैदर के ठिकाने में पहुंचता है। वहां पर आतंकवादी तो होते हैं लेकिन हैदर नहीं होता। वहीं टीम को खबर मिलती है कि उन्हें वापस आने की चेतावनी मिली है, लेकिन विक्रम को लगता है कि हैदर यहीं है, इसलिए वो वहां पर घुसने की कोशिश करता है, जिसके बाद उन फौजियों पर अटैक हो जाता है आतंकवादियों का। जवाबी कार्रवाई में विक्रम के फौजी भी फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। वहीं कुछ औरतें और बच्चे भी होती हैं जो बुरखे में होती हैं, जिसमें उनके फौजी वाले उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। तभी विक्रम की नज़र एक बुरखे वाली औरत पर जाता है जिसने जूते पहन रखे होते हैं। तब उसे समझ में आ जाता है कि ये और कोई नहीं हैदर है, जिसके बाद वो हैदर को पकड़ लेता है और बिना कुछ बोले ही उसे तुरंत मार देता है। विक्रम की इस बहादुरी से कैंप में सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। वहीं विक्रम का घर जाने का भी समय आ जाता है और उसे कुछ दिनों की छुट्टियां मिल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें बर्फीली पहाड़ियों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ आतंकवादी घुस आते हैं और अपने झंडे को हटाकर, यानी कि भारत देश का झंडा हटाकर अपना झंडा लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें विक्रम और डिंपल का सीन दिखाया जाता है, जो एक दूसरे से आज बहुत दिनों बाद मिले होते हैं। विक्रम अपनी छुट्टियां पूरे डिंपल के साथ बिताने की कोशिश करता है और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ बहुत ही खुश रहता है। तभी एक दिन विक्रम को टीवी पर खबर मिलती है कि बॉर्डर पर आतंकवादी हमले होने के कारण आज बॉर्डर की सुरक्षा बहुत ही कमज़ोर हो गई है, जिसके बाद विक्रम अपने दोस्त से बोलता है कि मुझे अब फौज में के लिए वापस जाना होगा क्योंकि बॉर्डर पर हालात बेकाबू हैं। जिस पर उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हारी तो अभी छुट्टी भी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन विक्रम बोलता है कि मेरी ज़रूरत बॉर्डर पर है। जिसके बाद अगले दिन विक्रम डिंपल से मिलकर फौज के लिए वापस रवाना हो जाता है। हमें कुछ आतंकवादियों द्वारा हमारे फौजियों को टॉर्चर करते हुए दिखाया जाता है और जिनकी लाशों को वो चौराहे पर टांग देते हैं। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उन फौजियों को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, जिसके बाद पूरी सेना बौखला जाती है और वॉर की तैयारी करना शुरू कर देती है। इस कैंप में विक्रम बत्रा और उनकी टीम ठहरी होती है, वहाँ पर एक आसमानी फायरिंग शुरू हो जाती है जिसका अंदाज़ा उन्हें बिल्कुल भी नहीं होता है। जिस फायरिंग के दौरान वहाँ पर बहुत से सैनिक मारे जाते हैं और कैप्टन अजय भी उसी टेररिस्ट अटैक में मारे जाते हैं। इसके बाद उनके यूनिट में बहुत सा गुस्सा भरा रहता है और वो वॉर की तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। तभी लेफ्टिनेंट जनरल भी वहाँ पे आते हैं और उन्हें वॉर में जाने की इजाज़त देते हैं और ये भी बताते हैं कि अब से हम तुम्हें कोड नोम नाम से ही बुलाएंगे, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल अपना नाम चाणक्य रखते हैं और कैप्टन जिमी का नाम संग्राम रखते हैं। इस मूवी में कैप्टन विक्रम बत्रा का कोड नेम शेषा होता है, जो हमारी इस मूवी का भी टाइटल है। लेफ्टिनेंट कर्नल बताते हैं कि हमें दो टीम में डिवाइड होकर दुश्मन पर अटैक करना होगा, जिसमें एक टीम में जिमी यानी संग्राम और दूसरी तरफ शेषा यानी विक्रम बत्रा लीड करेंगे टीम को। लेफ्टिनेंट कर्नल बताते हैं कि एरिया 471 बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह है, जहां पर हमें दुश्मन से छुपकर उन पर अटैक करना होगा। जनरल ये भी बताते हैं कि वहां पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, इसलिए हमें पूरी तैयारी के साथ निकलना होगा। जिस पर शेरशाह यानी विक्रम बत्रा बोलते हैं कि हमें रात की तरफ और वहां पर चढ़ाई करनी होगी क्योंकि दिन के समय दुश्मन हमें देख सकता है। वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट कर्नल
ये बोलते हैं कि मैं दूसरी तरफ से जवाबी कार्यवाही करूँगा जिसमें वो फायरिंग करेंगे और दुश्मन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे, जिस पर उन्हें मौका मिल जाएगा फौजियों को दूसरी ओर से भेजने का। उसके बाद रात में विक्रम और उसकी टीम चढ़ाई करती है, वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट कर्नल दबावी कार्रवाई करते हैं और दुश्मन का नज़र अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सुबह होते ही शेरशाह और उसकी टीम दुश्मन पर अटैक करती है और पूरे बंकर को उड़ा देती है और अपना झंडा एक बार फिर से सतह पर लहरा देती है। इसके बाद विक्रम बत्रा अपना कोड नेम बताते हुए यह खुशखबरी लेफ्टिनेंट कर्नल तक पहुंचाते हैं, जिसके बाद शेरशाह यानी विक्रम बत्रा लेफ्टिनेंट विक्रम को लेफ्टिनेंट से कैप्टन विक्रम बना दिया जाता है। कैप्टन विक्रम के प्रमोशन होने के बाद उनकी टीम का इंटरव्यू दूरदर्शन चैनल पर होता है, जिसमें विक्रम अपने टीम द्वारा किए गए कारनामों को दुनिया के सामने रखती हैं और अपना कोड नेम भी वो दुनिया को बताते हैं, जिसे डिंपल और उसका परिवार भी देख रहे होते हैं। और शेरशाह का परिवार यानी विक्रम बत्रा का परिवार यह सब देखकर भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज अपनी फौजों की लाश लेने से मना कर देती है, जिसके बाद विक्रम और उसकी टीम उनकी लाशों को दफनाने का काम करती है। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम को 0.845 के बारे में बताते हैं, जिस पर बताते हैं कि वो अगर हम कब्जे में ले लें तो उसके बाद ये वॉर ख़त्म हो जाएगी। विक्रम अपनी फौज के साथ उस पॉइंट पर अटैक करने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल दूसरे यूनिट को वहाँ पर अटैक करने के लिए भेज रहे होते हैं, लेकिन कैप्टन विक्रम अपनी बातों से कन्विंस कर अपनी टीम को रेडी कर लेता है उस पॉइंट पर अटैक करने के लिए, क्योंकि वो भी वॉर ख़त्म होते हुए देखना चाहता था। अगले दिन विक्रम और उसकी टीम रेडी होकर उस पॉइंट के लिए निकल जाती है जहाँ पर उन्हें जवाबी कार्यवाही करनी होती है। इसके बाद हमें वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विक्रम और उसकी टीम सभी बंकरों को निस्तनाबूद कर रही होती है और ज़्यादातर आतंकवादियों को मार चुकी होती। मूवी की स्टार्टिंग में जब हम विक्रम बत्रा को बॉम्ब फेंकते हुए देखते हैं, वहीं से मूवी दोबारा शुरू होती है। विक्रम अपने ग्रेनेड की मदद से उस बंकर को भी उड़ाने में जीत हासिल कर लेता है, लेकिन एक स्नाइपर आतंकवादी दूर से हमारे फौज के कुछ सैनिकों पर हमला कर देता है, जिसके बाद विक्रम अपनी फौज को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्नाइपर वाला आतंकवादी उन पर अटैक कर देता है और वो बुरी तरह घायल हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके आतंकवादी सोल्जर उस स्नाइपर आतंकवादी को देख लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। विक्रम बत्रा वहाँ पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं और वो देखते हैं कि उनकी यूनिट ने उस जगह अपनी जीत हासिल कर ली है और यहाँ पर वॉर ख़त्म हो गई है, लेकिन विक्रम बत्रा यहाँ पर शहीद हो जाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके शहर की पूरी पब्लिक और भीड़ जमा हो जाती है और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर फायरिंग भी होती है, जो फौजियों की एक स्पेशल फायरिंग होती है। वहीं डिंपल भी विक्रम बत्रा के श्रद्धांजलि स्थल पर आती है, लेकिन उन्हें विक्रम की बॉडी तक को भी देखने का मौका नहीं मिलता, जिसके बाद वो भी वहाँ रोने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि विक्रम का जो भाई, जो उसी का एक हमशक्ल है, यह कहानी सबको सुनाता है। मूवी के लास्ट में हमें असल विक्रम बत्रा की फुटेज भी दिखाई जाती है। इन्होंने अपने आखिरी टाइम में भी बॉर्डर पर अपनी सेना का साथ नहीं छोड़ा था और यहीं पर इस मूवी का डी एंड हो जाता है। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विक्रम बत्रा और उसकी टीम लड़ रहे होते हैं। दुश्मन की तरफ से भी लगातार फायरिंग होने के कारण भी विक्रम बत्रा अपनी टीम को लीड कर रहे थे और दोनों तरफ से निस्तब्ध फायरिंग हो रही थी। तभी विक्रम बत्रा का एक सैनिक एक रॉकेट लॉन्चर से उस एरिया में ब्लास्ट करता है जहाँ पर दुश्मन छिपे रहते हैं और उनके बंकर को तबाह कर देता है। बंकर तबाह होने के बाद फायरिंग आना बंद हो जाती है। जैसा उन्हें लगता है वैसा नहीं होता,
जब वो बंकर की तरफ बढ़ रहे होते हैं तब वहाँ से फिर से फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसके बाद विक्रम बत्रा अपने सैनिक को पीछे आने की चेतावनी देते हैं और उसके दौरान उनके कुछ सैनिक घायल हो जाते हैं और कुछ मारे जाते हैं। इसके बाद विक्रम बत्रा अपनी टीम को बताते हैं कि अभी भी एक बंकर शामिल है जिसे हमें पूरी तरह निशानाबूद करना है, इसके बाद हम जीत जाएंगे। विक्रम बत्रा के पास एक ग्रेनेड होता है जिसकी मदद से वो दुश्मन को निशानाबूद करने की प्लानिंग बनाते हैं और अपनी टीम को उन्हें कवर देने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद विक्रम बत्रा भागते हुए ग्रेनेड को आसमान की तरफ उछालते हैं और यह सीन यहीं पे कट हो जाता है। इसके बाद हमें विक्रम बत्रा के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ बैट बॉल खेल रहे होते हैं। जब विक्रम अपने भाई और दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा होता है तब बॉल एक लड़के को जाकर लग जाती है, जिसके बाद विक्रम उस लड़के से अपना बॉल मांगने जाता है लेकिन लड़का गुस्से में उसे बॉल देने से मना कर देता है, जिसके बाद दोनों में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई के बीच विक्रम किसी तरह बॉल लेकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद जब विक्रम घर पहुँचता है तब उसके पिता उसके सामने खड़े होते हैं और उसे बहुत कुछ सुनाते हैं और बोलते हैं कि जिस लड़के से तुमने लड़ाई की वो तुमसे 10 साल बड़ा था, इसलिए तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद मूवी का सीन विक्रम के भाई की तरफ मूव करा जाता है जो एक स्टेज पर खड़ा होकर विक्रम की कहानियाँ बता रहा होता है। वो बताता है कि बचपन में दूरदर्शन पर एक शो आता था परवीर चक्र, जिसमें फौजों के बारे में और उसकी ट्रेनिंग के बारे में लोगों को दिखाया जाता था, लेकिन उस टाइम बहुत कम ही घरों में टीवी होता था, इसलिए विक्रम किसी तरह अपने पड़ोसी के घर में जाता था और वहां पर जाकर परमवीर चक्र वाला शो देखता था और बचपन से ही उसने तय कर लिया था कि उसे फ़ौज में जाना है। विक्रम जब भी गणतंत्र दिवस पर स्कूल में जाता था तो सभी बच्चे वाइट ड्रेस पहनकर स्कूल में आते थे, लेकिन विक्रम हमेशा फौजी की ड्रेस पहनकर स्कूल में आता था और सल्यूट मारता था। विक्रम के हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर विक्रम अब 2-स्टार फौजी बन गया है और उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में की गई है। विक्रम को रिसीव करने के लिए कैप्टन राजीव कपूर, सुवेदार बंसी लाल उन्हें रिसीव करने आते हैं और उन्हें अपने कैंप में ले जाते हैं। कैंप में पहुँचने के बाद विक्रम अपने सभी टीम मेंबर को नमस्ते बोलते हैं और अपने बारे में भी बताते हैं। कैंप के अंदर जाने के बाद उनकी मुलाकात एक लेफ्टिनेंट से होती है जिन्हें वो अपना सैल्यूट देते हैं। वहीं कैप्टन जिमी जो कैंप में ही रहते हैं उनकी मुलाकात भी विक्रम बत्रा से होती है। विक्रम बत्रा को कई दिन कश्मीर में बीत जाते हैं और उनकी अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है, लोग उन्हें बहुत इज्जत और सम्मान भी देते हैं। इसके बाद हमें कश्मीर में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम गफूर होता है, जो विक्रम बत्रा की काफ़ी इज्जत करता है और विक्रम बत्रा भी उन्हें अपने पिता समान मानते हैं। गफूर अपने बेटे को विक्रम बत्रा को चाय सौंपने के लिए बोलता है। गफूर बताता है कि उसका बेटा कुछ दिनों से लापता था, लेकिन उसका बेटा बोलता है कि वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था। इसके बाद विक्रम बत्रा और उनकी टीम नेक्स्ट पॉइंट पर चेकिंग करने के लिए जा रही होती है, तब कैप्टन जिमी बोलते हैं कि हमें इन लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर रखना चाहिए क्योंकि ये लोग ख़तरनाक भी हो सकते हैं, जिस पर लेफ्टिनेंट विक्रम बोलते हैं कि अगर हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे तो वो भी हम पर विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद विक्रम बत्रा और उनकी टीम नेक्स्ट चेक पॉइंट पर पहुँच जाती है। उन्हें खबर मिलती है कि कुछ हथियार यहाँ से ट्रांसपोर्ट होने वाले हैं, लेकिन उन्हें चेकिंग करते हुए 3 घंटे बीत जाते हैं और विक्रम बत्रा को लगता है कि उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। तभी कुछ आतंकवादियों की गाड़ी पीछे से आती है और फौजियों को देखकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रम की नज़र उन पर पड़ जाती है और वो तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अपनी ओर आते हुए विक्रम को देखने पर फौजी उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिस पर वहां से भगदड़ मच जाती है। विक्रम फिर भी उन फौजियों से कवर मांगते हुए आतंकवादियों के सामने पहुँचने की कोशिश करता है। लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, विक्रम उन्हें भी शांति से रहने के लिए बोलता है। विक्रम आगे बढ़ते हुए सभी आतंकवादियों को मारने लगता है।
जब आतंकवादियों का लीडर भागने की कोशिश करता है तब विक्रम बत्रा उसके पैर पर गोली मारकर उसे वहां रोक लेते हैं और सभी आतंकवादियों को पकड़ लिया जाता है। लेकिन कैप्टन जिमी विक्रम पर गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि वो उसके ऑर्डरों को फॉलो नहीं कर रहा होता है। इसके बाद हमें कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूबेदार कैप्टन विक्रम की तारीफ कर रहा होता है और सभी फौजी बोलते हैं कि जब आप कैप्टन बनेंगे तब हमें अपनी यूनिट में ज़रूर शामिल कीजिएगा और उनकी बहुत सी तारीफ भी करते हैं। जिसके बाद कैप्टन जिमी भी वहाँ पर आ जाते हैं। जिसके बाद कैप्टन जिमी बोलते हैं कि तुम मुझे आज से जिमी बोल सकते हैं क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे 6 महीने ही सीनियर हूँ। और इसके बाद कैप्टन विक्रम और जिमी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद विक्रम के पास एक लेटर आता है जो उसकी बीवी डिंपल का होता है। जिसके बाद विक्रम कुछ मुस्कुराता है और उसके बाद इस कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि कॉलेज टाइम चल रहा होता है जहाँ पर विक्रम पढ़ रहा होता है और उसकी नज़र एक डिंपल नाम की लड़की पे पड़ती है और उसे वो पहली नज़र में ही पसंद करने लगता है। शुरुआत में डिंपल विक्रम की तरफ देखती भी नहीं थी लेकिन जब वो विक्रम की तरफ देखती है और उसकी तरफ मुस्कुराती है तब विक्रम को लगता है कि अब उसका काम चल जाएगा। इस बात से खुश होकर विक्रम अपने दोस्तों को पार्टी देने की कोशिश करता है और उन्हें आर्मी कैंट में ले जाता है। कैंटीन में जाने के बाद कैंटीन में एक सर्विसमैन रहता है जो विक्रम को बोलता है कि ये शराब सिर्फ फौजियों के लिए है। जिसके बाद विक्रम कसम खा लेता है कि जब तक वो फौजी नहीं बनेगा तब तक वो शराब की एक बूंद भी नहीं पिएगा। वहीं कुछ दिनों बाद विक्रम और उनका ग्रुप एक टूर पे जाता है जहां पर डिंपल भी मौजूद होती है, जिसमें डिंपल और विक्रम काफ़ी मस्ती भी करते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को अब पसंद भी करने लगते हैं। इसके बाद उनके प्यार को कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन कुछ दिन बाद जब विक्रम डिंपल को छोड़ने उसके घर जाता है तब वो उसे प्रपोज करता है। उसे प्रपोज करते हुए डिंपल के पिता उसे देख लेते हैं और विक्रम को अपने घर में बुलाते हैं। जिसके बाद डिंपल के पिता उसे बताते हैं कि तुम खत्री पंजाबी हो और हम सिख हैं इसलिए यह रिश्ता तय नहीं हो सकता। इसके बाद विक्रम अपने घर जाता है और यही बात वो अपने घर वालों को बताता है लेकिन उसके घर वाले खुशी से झूम उठते हैं और रिश्ते के लिए मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिंपल जब अगले दिन अपने घर पहुंचती है तब उसके पिता उसे बताते हैं कि हमने तुम्हारा रिश्ता एक लड़के के साथ तय कर दिया होता है। जिसके बाद डिंपल गुस्सा होती है और बोलती है कि वो जब भी शादी करेगी तो विक्रम के साथ ही करेगी। वहीं दूसरी तरफ विक्रम अपने दोस्त से मिलता है और बोलता है कि वो अब फौज में ना जाकर नेवी में जाएगा, जिस पर विक्रम का दोस्त समझाता है कि ये लड़की कल ही आई है और तुम अपने बचपन के सपने को छोड़कर नेवी में नहीं जा सकते। इसके बाद विक्रम डिंपल से मिलता है तब वो डिंपल को बताता है कि मेरा सपना बचपन से ही आर्मी में जाने का है इसलिए मैं नेवी में नहीं जा सकता और मैं आर्मी में ही जाना पसंद करूँगा। जिसके बाद डिंपल नाराज़ हो जाती है और जाते हुए विक्रम को बोलती है जब तक तुम्हारा फौजी में सिलेक्शन ना हो जाए तब तक मुझे कॉल मत करना। यानी कि डिंपल विक्रम से नाराज़ नहीं होती है, बस उसे खुश करने की कोशिश करती है। वहीं मूवी का सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर विक्रम अपने दोस्तों के साथ ये सब बातें शेयर कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन जिमी भी आ जाते हैं और विक्रम को बताते हैं कि जिस आतंकवादी को तुमने पकड़ा है वो हैदर का राइट हैंड है। जिसके बाद जिमी बताते हैं कि अब हैदर चुपचाप नहीं रहेगा और हमारी टीम को कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर करेगा। जिसके बाद मूवी का सीन हैदर की तरफ मूव किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम जिमी से पूछता है कि उन्हें इस सोर्स की जानकारी कहां से मिली। तब जिमी बताता है कि हम सोर्स की जानकारी नहीं बता सकते कि हमें कहां से मिली और कैसे मिली क्योंकि ये बातें सीक्रेट होती हैं। वहीं दूसरी तरफ हैदर उन लोगों को मार देता है जिन्होंने सोर्स की जानकारी फौजी तक पहुँचाई थी। हम देखते हैं कि गफूर का बेटा भी उन्हीं आतंकवादियों के साथ शामिल होता है और हैदर ने उनके साथ कुछ लड़कों को पाकिस्तान भेजने के लिए चुना होता है। हैदर उन जासूसों की लाशों को चौराहे पर टांग देता है जिसके बाद विक्रम बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है। लेकिन विक्रम के कैप्टन
वहाँ पर आते हैं और विक्रम और जिमी की तारीफ करते हैं। बताते हैं हकाउल्ला जो हैदर का राइट हैंड था उन्हें पकड़ कर तुमने बहुत ही बहादुरी वाला काम किया है। अपने कैप्टन से मिलने के बाद जब विक्रम रात को चेकिंग पोस्ट पर जा रहा होता है तब उसे गफूर मिलता है और गफूर विक्रम से रिक्वेस्ट करता है कि उसे उसकी बेटे की मदद करनी पड़ेगी क्योंकि उसका बेटा खतरे में है। तब उसका बेटा अरसलान बताता है कि वो हैदर के साथ मिला हुआ है और हैदर ने उसे पाकिस्तान जाने के लिए चुना हुआ है जबकि वो ये सब काम नहीं करना चाहता। जिसके बाद विक्रम बोलता है कि तुम्हें अभी उनके साथ काम करना होगा, तब तक मैं अपने सीनियर के साथ बात कर तुम्हारी हिफाजत का इंतज़ाम करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ फौजियों को कुछ हथियार के ठिकानों का पता चलता है अपने गुप्तचर द्वारा, जिस पर विक्रम और उसकी टीम उन हथियारों को लेने वहाँ जाती है और हथियारों को लेकर जब वो वापस लौट रही होती है तब उन पर कुछ अटैक हो जाता है जिसमें एक धमाके में फौजी भी घायल हो जाते हैं। चारों तरफ फायरिंग होने के कारण विक्रम के कई सारे सैनिक मारे जाते हैं जिसमें सूबेदार बंसीलाल भी शामिल होता है। विक्रम यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और अब गुस्से के कारण अपने आप को काबू नहीं कर पाता और इस सब का जिम्मेदार खुद को भी मारना शुरू कर देता है। इसके बाद वो गफूर से मिलता है और उसके बेटे से हैदर का पता पूछता है। हैदर का पता बताने के बाद विक्रम अपने लेफ्टिनेंट कर्नल से मिलने जाता है और उनसे हैदर के लोकेशन पर अटैक करने की इजाज़त मांगता है। तब लेफ्टिनेंट कर्नल बताते हैं कि हैदर कभी भी एक जगह नहीं टिकता, फिर भी उसे वो परमिशन दे देते हैं हैदर के ठिकाने पर अटैक करने की। विक्रम अपनी टीम के साथ हैदर के ठिकाने में पहुंचता है। वहां पर आतंकवादी तो होते हैं लेकिन हैदर नहीं होता। वहीं टीम को खबर मिलती है कि उन्हें वापस आने की चेतावनी मिली है लेकिन विक्रम को लगता है कि हैदर यही है, इसलिए वो वहां पर घुसने की कोशिश करता है जिसके बाद उन फौजियों पर अटैक हो जाता है आतंकवादियों का। जवाबी भी कार्रवाई में विक्रम के फौजी भी फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। वहीं कुछ औरतें और बच्चे भी होती हैं जो बुरखे में होती हैं जिसमें उनके फौजी वाले उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। तभी विक्रम की नज़र एक बुरखे वाली औरत पर जाता है जिसने जूते पहन रखे होते हैं। तब उसे समझ में आ जाता है कि ये और कोई नहीं हैदर है, जिसके बाद वो हैदर को पकड़ लेता है और बिना कुछ बोले ही उसे तुरंत मार देता है। विक्रम की इस बहादुरी से कैंप में सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। वहीं विक्रम का घर जाने का भी समय आ जाता है और उसे कुछ दिनों की छुट्टियां मिल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें बर्फीली पहाड़ियों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ आतंकवादी घुस आते हैं और अपने झंडे को हटाकर, यानी कि भारत देश का झंडा हटाकर अपना झंडा लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें विक्रम और डिंपल का सीन दिखाया जाता है जो एक दूसरे से आज बहुत दिनों बाद मिले होते हैं। विक्रम अपनी छुट्टियां पूरे डिंपल के साथ बिताने की कोशिश करता है और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ बहुत ही खुश रहता है। तभी एक दिन विक्रम को टीवी पर खबर मिलती है कि बॉर्डर पर आतंकवादी हमले होने के कारण आज बॉर्डर की सुरक्षा बहुत ही कमज़ोर हो गई है। जिसके बाद विक्रम अपने दोस्त से बोलता है कि मुझे अब फौज में लिए वापस जाना होगा क्योंकि बॉर्डर पर हालात बेकाबू हैं। जिस पर उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हारी तो अभी छुट्टी भी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन विक्रम बोलता है कि मेरी ज़रूरत बॉर्डर पर है। जिसके बाद अगले दिन विक्रम डिंपल से मिलकर फौज के लिए वापस रवाना हो जाता है। हमें कुछ आतंकवादियों द्वारा हमारे फौजियों को टॉर्चर करते हुए दिखाया जाता है और जिनकी लाशों को वो चौराहे पर टांग देते हैं। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उन फौजियों को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। जिसके बाद पूरी सेना बौखला जाती है और वॉर की तैयारी करना शुरू कर देती है। इस कैंप में विक्रम बत्रा और उनकी टीम ठहरी होती है, वहाँ पर एक आसमानी फायरिंग शुरू हो जाती है जिसका अंदाज़ा उन्हें बिल्कुल भी नहीं होता है। जिस फायरिंग के दौरान वहाँ पर बहुत से सैनिक मारे जाते हैं और कैप्टन अजय भी उसी टेररिस्ट अटैक में मारे जाते हैं।
के बाद उनके यूनिट में बहुत सा गुस्सा भरा रहता है और वो वॉर की तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। तभी लेफ्टिनेंट जनरल भी वहाँ पे आते हैं और उन्हें वॉर में जाने की इजाज़त देते हैं और ये भी बताते हैं कि अब से हम तुम्हें कोड नोम नाम से ही बुलाएंगे। जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल अपना नाम चाणक्य रखते हैं और कैप्टन जिमी का नाम संग्राम रखते हैं। इस मूवी में कैप्टन विक्रम बत्रा का कोड नेम शेषा होता है, जो हमारी इस मूवी का भी टाइटल है। लेफ्टिनेंट कर्नल बताते हैं कि हमें दो टीम में डिवाइड होकर दुश्मन पर अटैक करना होगा, जिसमें एक टीम में जिमी यानी संग्राम और दूसरी तरफ शेषा यानी विक्रम बत्रा लीड करेंगे टीम को। लेफ्टिनेंट कर्नल बताते हैं कि एरिया 471 बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह है, जहां पर हमें दुश्मन से छुपकर उन पर अटैक करना होगा। जनरल ये भी बताते हैं कि वहां पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, इसलिए हमें पूरी तैयारी के साथ निकलना होगा। जिस पर शेरशाह यानी विक्रम बत्रा बोलते हैं कि हमें रात की तरफ और वहां पर चढ़ाई करनी होगी, क्योंकि दिन के समय दुश्मन हमें देख सकता है। वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट कर्नल ये बोलते हैं कि मैं दूसरी तरफ से जवाबी कार्यवाही करूंगा, जिसमें वो फायरिंग करेंगे और दुश्मन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे, जिस पर उन्हें मौका मिल जाएगा फौजियों को दूसरी ओर से भेजने का। इसके बाद रात में विक्रम और उसकी टीम चढ़ाई करती है, वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट कर्नल जवाबी कार्रवाई करते हैं और दुश्मन का नज़र अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सुबह होते ही शेषा और उसकी टीम दुश्मन पर अटैक करती है और पूरे बंकर को उड़ा देती है और अपना झंडा एक बार फिर से सतह पर लहरा देती है। इसके बाद विक्रम बत्रा अपना कोड नेम बताते हुए यह खुशखबरी लेफ्टिनेंट कर्नल तक पहुंचाते हैं, जिसके बाद शेषा यानी विक्रम बत्रा लेफ्टिनेंट विक्रम को लेफ्टिनेंट से कैप्टन विक्रम बना दिया जाता है। कैप्टन विक्रम के प्रमोशन होने के बाद उनकी टीम का इंटरव्यू दूरदर्शन चैनल पर होता है, जिसमें विक्रम अपने टीम द्वारा किए गए कारनामों को दुनिया के सामने रखती हैं और अपना कोड नेम भी वो दुनिया को बताते हैं, जिसे डिंपल और उसका परिवार भी देख रहे होते हैं। और शेषा का परिवार यानी विक्रम बत्रा का परिवार यह सब देख कर भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज अपनी फौजों की लाश लेने से मना कर देती है, जिसके बाद विक्रम और उसकी टीम उनकी लाशों को दफनाने का काम करती है। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम को 0.845 के बारे में बताते हैं, जिस पर बताते हैं कि वो अगर हम कब्जे में ले लें तो उसके बाद ये वॉर ख़त्म हो जाएगी। विक्रम अपनी फौज के साथ उस पॉइंट पर अटैक करने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल दूसरे यूनिट को वहाँ पर अटैक करने के लिए भेज रहे होते हैं, लेकिन कैप्टन विक्रम अपनी बातों से कन्वेंस कर अपनी टीम को रेडी कर लेता है उस पॉइंट पर अटैक करने के लिए, क्योंकि वो भी वॉर ख़त्म होते हुए देखना चाहता था। अगले दिन विक्रम और उसकी टीम रेडी होकर उस पॉइंट के लिए निकल जाती है, जहाँ पर उन्हें जवाबी कार्रवाई करनी होती है। इसके बाद हमें वॉर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विक्रम और उसकी टीम सभी बंकरों को निस्तनाबूद कर रही होती है और ज़्यादातर आतंकवादियों को मार चुकी होती। मूवी के स्टार्टिंग में जब हम विक्रम बत्रा को बॉम्ब फेंकते हुए देखते हैं, वहीं से मूवी दोबारा शुरू होती है। विक्रम अपने ग्रेनेड की मदद से उस बंकर को भी उड़ाने में जीत हासिल कर लेता है, लेकिन एक स्नाइपर आतंकवादी दूर से हमारे फौज के कुछ सैनिकों पर हमला कर देता है, जिसके बाद विक्रम अपनी फौज को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्नाइपर वाला आतंकवादी उन पर अटैक कर देता है और वो बुरी तरह घायल हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके आतंकवादी सोल्जर उस स्नाइपर आतंकवादी को देख लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। विक्रम बत्रा वहाँ पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं और वो देखते हैं कि उनकी यूनिट ने उस जगह अपनी जीत हासिल कर ली है और यहाँ पर वॉर ख़त्म हो गई है। लेकिन विक्रम बत्रा यहाँ पर शहीद हो जाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके शहर की पूरी पब्लिक और भीड़ जमा हो जाती है और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर फायरिंग भी होती है, जो फौजियों की एक स्पेशल फायरिंग होती है
वहीं डिंपल भी विक्रम बत्रा के श्रद्धांजलि स्थल पर आती है, लेकिन उन्हें विक्रम की बॉडी तक को भी देखने का मौका नहीं मिलता, जिसके बाद वो भी वहाँ रोने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि विक्रम का जो भाई, जो उसी का एक हमशक्ल है, यह कहानी सबको सुनाता है। मूवी के लास्ट में हमें असल विक्रम बत्रा की फुटेज भी दिखाई जाती है। इन्होंने अपने आखिरी टाइम में भी बॉर्डर पर अपनी सेना का साथ नहीं छोड़ा था, और यहीं पर इस मूवी का डी एंड हो जाता है। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक वॉर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर विक्रम बत्रा और उसकी टीम लड़ रहे होते हैं। दुश्मन की तरफ से भी लगातार फायरिंग होने के कारण भी विक्रम बत्रा अपनी टीम को लीड कर रहे थे और दोनों तरफ से निस्तब्ध फायरिंग हो रही थी। तभी विक्रम बत्रा का एक सैनिक एक रॉकेट लॉन्चर से उस एरिया में ब्लास्ट करता है जहां पर दुश्मन छुपे रहते हैं, और उनके बंकर को तबाह कर देता है। बंकर तबाह होने के बाद फायरिंग आना बंद हो जाती है। जैसा उन्हें लगता है वैसा नहीं होता। जब वो बंकर की तरफ बढ़ रहे होते हैं तब वहाँ से फिर से फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसके बाद विक्रम बत्रा अपने सैनिक को पीछे आने की चेतावनी देते हैं, और उसके दौरान उनके कुछ सैनिक घायल हो जाते हैं और कुछ मारे जाते हैं। इसके बाद विक्रम बत्रा अपनी टीम को बताते हैं कि अभी भी एक बंकर शामिल है जिसे हमें पूरी तरह निस्तनाबूत करना है, इसके बाद हम जीत जाएंगे। विक्रम बत्रा के पास एक ग्रेनेड होता है, जिसकी मदद से वो दुश्मन को निस्तनाबूत करने की प्लानिंग बनाते हैं और अपनी टीम को उन्हें कवर देने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद विक्रम बत्रा भागते हुए ग्रेनेड को आसमान की तरफ उछालते हैं, और यह सीन यहीं पे कट हो जाता है। इसके बाद हमें विक्रम बत्रा के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ बैट बॉल खेल रहे होते हैं। जब विक्रम अपने भाई और दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा होता है तब बॉल एक लड़के को जाकर लग जाती है, जिसके बाद विक्रम उस लड़के से अपना बॉल मांगने जाता है, लेकिन लड़का गुस्से में उसे बॉल देने से मना कर देता है, जिसके बाद दोनों में लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई के बीच विक्रम किसी तरह बॉल लेकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद जब विक्रम घर पहुँचता है तब उसके पिता उसके सामने खड़े होते हैं और उसे बहुत कुछ सुनाते हैं, और बोलते हैं कि जिस लड़के से तुमने लड़ाई की वो तुमसे 10 साल बड़ा था, इसलिए तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद मूवी का सीन विक्रम के भाई की तरफ मूव करा जाता है, जो एक स्टेज पर खड़ा होकर विक्रम की कहानियां बता रहा होता है। वो बताता है कि बचपन में दूरदर्शन पर एक शो आता था परवीर चक्र, जिसमें फौजों के बारे में और उसकी ट्रेनिंग के बारे में लोगों को दिखाया जाता था, लेकिन उस टाइम बहुत कम ही घरों में टीवी होता था, इसलिए विक्रम किसी तरह अपने पड़ोसी के घर में जाता था और वहां पर जाकर परमवीर चक्र वाला शो देखता था, और बचपन से ही उसने तय कर लिया था कि उसे फौज में जाना है। विक्रम जब भी गणतंत्र दिवस पर स्कूल में जाता था तो सभी बच्चे वाइट ड्रेस पहनकर स्कूल में आते थे, लेकिन विक्रम हमेशा फौजी की ड्रेस पहनकर स्कूल में आता था और सल्यूट मारता था। विक्रम के हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर विक्रम अब 2-स्टार फौजी बन गया है और उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में की गई है। विक्रम को रिसीव करने के लिए कैप्टन राजीव कपूर, सुवेदार बंसी लाल उन्हें रिसीव करने आते हैं और उन्हें अपने कैंप में ले जाते हैं। कैंप में पहुँचने के बाद विक्रम अपने सभी टीम मेंबर को नमस्ते बोलते हैं और अपने बारे में भी बताते हैं। कैंप के अंदर जाने के बाद उनकी मुलाकात एक लेफ्टिनेंट से होती है, जिन्हें वो अपना सैल्यूट देते हैं। वहीं कैप्टन जिमी, जो कैंप में ही रहते हैं, उनकी मुलाकात भी विक्रम बत्रा से होती है। विक्रम बत्रा को कई दिन कश्मीर में बीत जाते हैं और उनकी अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है, लोग उन्हें बहुत इज्जत और सम्मान भी देते हैं। इसके बाद हमें कश्मीर में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम गफूर होता है, जो विक्रम बत्रा की काफ़ी इज्जत करता है और विक्रम बत्रा भी उन्हें अपने पिता समान मानते हैं। गफूर अपने बेटे को विक्रम बत्रा को चाय सौंपने के लिए बोलता है
गफूर बताता है कि उसका बेटा कुछ दिनों से लापता था, लेकिन उसका बेटा बोलता है कि वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था। इसके बाद विक्रम बत्रा और उनकी टीम नेक्स्ट पॉइंट पर चेकिंग करने के लिए जा रही होती है। तब कैप्टन जिमी बोलते हैं कि हमें इन लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग खतरनाक भी हो सकते हैं। जिस पर लेफ्टिनेंट विक्रम बोलते हैं कि अगर हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे तो वो भी हम पर विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद विक्रम बत्रा और उनकी टीम नेक्स्ट चेक पॉइंट पर पहुँच जाती है। उन्हें खबर मिलती है कि कुछ हथियार यहाँ से ट्रांसपोर्ट होने वाले हैं, लेकिन उन्हें चेकिंग करते हुए 3 घंटे बीत जाते हैं और विक्रम बत्रा को लगता है कि उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। तभी कुछ आतंकवादियों की गाड़ी पीछे से आती है और फौजियों को देखकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रम की नज़र उन पर पड़ जाती है और वो तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अपनी ओर आते हुए विक्रम को देखने पर फौजी उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिस पर वहां से भगदड़ मच जाती है। विक्रम फिर भी उन फौजियों से कवर मांगते हुए आतंकवादियों के सामने पहुँचने की कोशिश करता है। लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, विक्रम उन्हें भी शांति से रहने के लिए बोलता है। विक्रम आगे बढ़ते हुए सभी आतंकवादियों को मारने लगता है। जब आतंकवादियों का लीडर भागने की कोशिश करता है, तब विक्रम बत्रा उसके पैर पर गोली मारकर उसे वहां रोक लेते हैं और सभी आतंकवादियों को पकड़ लिया जाता है। लेकिन कैप्टन जिमी विक्रम पर गुस्सा कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उसके ऑर्डरों को फॉलो नहीं कर रहा होता है। इसके बाद हमें कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सूबेदार कैप्टन विक्रम की तारीफ कर रहा होता है और सभी फौजी बोलते हैं कि जब आप कैप्टन बनेंगे तब हमें अपनी यूनिट में ज़रूर शामिल कीजिएगा, और उनकी बहुत सी तारीफ भी करते हैं। जिसके बाद कैप्टन जिमी भी वहाँ पे आ जाते हैं, जिसके बाद कैप्टन जिमी बोलते हैं कि तुम मुझे आज से जिमी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे 6 महीने ही सीनियर हूँ। और इसके बाद कैप्टन विक्रम और जिमी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद विक्रम के पास एक लेटर आता है जो उसकी बीवी डिंपल का होता है, जिसके बाद विक्रम कुछ मुस्कुराता है। और उसके बाद इस कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि कॉलेज टाइम चल रहा होता है, जहाँ पर विक्रम पढ़ रहा होता है और उसकी नज़र एक डिंपल नाम की लड़की पर पड़ती है और उसे वो पहली नज़र में ही पसंद करने लगता है। शुरुआत में डिंपल विक्रम की तरफ देखती भी नहीं थी, लेकिन जब वो विक्रम की तरफ देखती है और उसकी तरफ मुस्कुराती है, तब विक्रम को लगता है कि अब उसका काम चल जाएगा। इस बात से खुश होकर विक्रम अपने दोस्तों को पार्टी देने की कोशिश करता है और उन्हें आर्मी कैंट में ले जाता है। कैंटीन में जाने के बाद कैंटीन में एक सर्विसमैन रहता है, जो विक्रम को बोलता है कि ये शराब सिर्फ फौजियों के लिए है। जिसके बाद विक्रम कसम खा लेता है कि जब तक वो फौजी नहीं बनेगा तब तक वो शराब की एक बूंद भी नहीं पिएगा। वहीं कुछ दिनों बाद विक्रम और उनका ग्रुप एक टूर पे जाता है, जहां पर डिंपल भी मौजूद होती है, जिसमें डिंपल और विक्रम काफ़ी मस्ती भी करते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को अब पसंद भी करने लगते हैं। इसके बाद उनके प्यार को कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जब विक्रम डिंपल को छोड़ने उसके घर जाता है, तब वो उसे प्रपोज करता है। उसे प्रपोज करते हुए डिंपल के पिता उसे देख लेते हैं और विक्रम को अपने घर में बुलाते हैं, जिसके बाद डिंपल के पिता उसे बताते हैं कि तुम खत्री पंजाबी हो और हम सिख हैं, इसलिए यह रिश्ता तय नहीं हो सकता। इसके बाद विक्रम अपने घर जाता है और यही बात वो अपने घर वालों को बताता है, लेकिन उसके घर वाले खुशी से झूम उठते हैं और रिश्ते के लिए मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिंपल जब अगले दिन अपने घर पहुंचती है, तब उसके पिता उसे बताते हैं कि हमने तुम्हारा रिश्ता एक लड़के के साथ तय कर दिया होता है। जिसके बाद डिंपल गुस्सा होती है और बोलती है कि वो जब भी शादी करेगी तो विक्रम के साथ ही करेगी। वहीं दूसरी तरफ विक्रम अपने दोस्त से मिलता है और बोलता है कि वो अब फौज में ना जाकर नेवी में जाएगा, जिस पर विक्रम का दोस्त समझाता है कि ये लड़की कल ही आई है और तुम अपने बचपन के सपने को छोड़कर नेवी में नहीं जा सकते। इसके बाद विक्रम डिंपल से मिलता है, तब वो डिंपल को बताता है कि मेरा सपना बचपन से ही आर्मी में जाने का है, इसलिए मैं नेवी में नहीं जा सकता और मैं आर्मी में ही जाना पसंद करूँगा। जिसके बाद डिंपल नाराज़ हो जाती है और जाते हुए विक्रम को बोलती है
जब तक तुम्हारा फौजी में सिलेक्शन ना हो जाए तब तक मुझे कॉल मत करना। यानी कि डिंपल विक्रम से नाराज़ नहीं होती है, बस उसे खुश करने की कोशिश करती है। वहीं मूवी का सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट किया जाता है, जहां पर विक्रम अपने दोस्तों के साथ ये सब बातें शेयर कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन जिमी भी आ जाते हैं और विक्रम को बताते हैं कि जिस आतंकवादी को तुमने पकड़ा है वो हैदर का राइट हैंड है। जिसके बाद जिमी बताते हैं कि अब हैदर चुपचाप नहीं रहेगा और हमारी टीम को कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर करेगा। जिसके बाद मूवी का सीन हैदर की तरफ मूव किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम जिमी से पूछता है कि उन्हें इस सोर्स की जानकारी कहां से मिली। तब जिमी बताता है कि हम सोर्स की जानकारी नहीं बता सकते कि हमें कहां से मिली और कैसे मिली, क्योंकि ये बातें सीक्रेट होती हैं। वहीं दूसरी तरफ हैदर उन लोगों को मार देता है जिन्होंने सोर्स की जानकारी फौजी तक पहुँचाई थी। हम देखते हैं कि गफूर का बेटा भी उन्हीं आतंकवादियों के साथ शामिल होता है और हैदर ने उनके साथ कुछ लड़कों को पाकिस्तान भेजने के लिए चुना होता है। हैदर उन जासूसों की लाशों को चौराहे पर टांग देता है, जिसके बाद विक्रम बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है। लेकिन विक्रम के कैप्टन वहां पर आते हैं और विक्रम और जिमी की तारीफ करते हैं। बताते हैं हका उल्ला जो हैदर का राइट हैंड था उन्हें पकड़ कर तुमने बहुत ही बहादुरी वाला काम किया है। अपने कैप्टन से मिलने के बाद जब विक्रम रात को चेकिंग पोस्ट पर जा रहा होता है तब उसे गफूर मिलता है और गफूर विक्रम से रिक्वेस्ट करता है कि उसे उसकी बेटे की मदद करनी पड़ेगी क्योंकि उसका बेटा खतरे में है। तब उसका बेटा अरसलान बताता है कि वो हैदर के साथ मिला हुआ है और हैदर ने उसे पाकिस्तान जाने के लिए चुना हुआ है, जबकि वो यह सब काम नहीं करना चाहता। जिसके बाद विक्रम बोलता है कि तुम्हें अभी उनके साथ काम करना होगा, तब तक मैं अपने सीनियर के साथ बात कर तुम्हारी हिफाजत का इंतज़ाम करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ फौजियों को कुछ हथियार के ठिकानों का पता चलता है अपने गुप्तचर द्वारा, जिस पर विक्रम और उसकी टीम उन हथियारों को लेने वहाँ जाती है और हथियारों को लेकर जब वो वापस लौट रही होती है तब उन पर कुछ अटैक हो जाता है, जिसमें एक धमाके में फौजी भी घायल हो जाते हैं। चारों तरफ फायरिंग होने के कारण विक्रम के कई सारे सैनिक मारे जाते हैं, जिसमें सूबेदार बंसीलाल भी शामिल होता है। विक्रम यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और अब गुस्से के कारण अपने आप को काबू नहीं कर पाता और इस सब का जिम्मेदार खुद को भी मानना शुरू कर देता है। इसके बाद वो गफूर से मिलता है और उसके बेटे से हैदर का पता पूछता है। हैदर का पता बताने के बाद विक्रम अपने लेफ्टिनेंट कर्नल से मिलने जाता है और उनसे हैदर के लोकेशन पर अटैक करने की इजाज़त मांगता है। तब लेफ्टिनेंट कर्नल बताते हैं कि हैदर कभी भी एक जगह नहीं टिकता, फिर भी उसे वो परमिशन दे देते हैं हैदर के ठिकाने पर अटैक करने की। विक्रम अपनी टीम के साथ हैदर के ठिकाने में पहुँचता है। वहाँ पर आतंकवादी तो होते हैं लेकिन हैदर नहीं होता। वहीं टीम को खबर मिलती है कि उन्हें वापस आने की चेतावनी मिली है, लेकिन विक्रम को लगता है कि हैदर यहीं है, इसलिए वो वहाँ पर घुसने की कोशिश करता है, जिसके बाद उन फौजियों पर अटैक हो जाता है आतंकवादियों का। जवाबी भी कार्रवाई में विक्रम के फौजी भी फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। वहीं कुछ औरतें और बच्चे भी होती हैं जो बुरखे में होती हैं, जिसमें उनके फौजी वाले उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। तभी विक्रम की नज़र एक बुरखे वाली औरत पर जाता है जिसने जूते पहन रखे होते हैं। तब उसे समझ में आ जाता है कि ये और कोई नहीं हैदर है, जिसके बाद वो हैदर को पकड़ लेता है और बिना कुछ बोले ही उसे तुरंत मार देता है। विक्रम की इस बहादुरी से कैंप में सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। वहीं विक्रम का घर जाने का भी समय आ जाता है और उसे कुछ दिनों की छुट्टियां मिल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें बर्फीली पहाड़ियों का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ आतंकवादी घुस आते हैं और अपने झंडे को हटाकर, यानी कि भारत देश का झंडा हटाकर अपना झंडा लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें विक्रम और डिंपल का सीन दिखाया जाता है, जो एक दूसरे से आज बहुत दिनों बाद मिले होते हैं।
विक्रम अपनी छुट्टियां पूरे डिंपल के साथ बिताने की कोशिश करता है और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ बहुत ही खुश रहता है। तभी एक दिन विक्रम को टीवी पर खबर मिलती है कि बॉर्डर पर आतंकवादी हमले होने के कारण आज बॉर्डर की सुरक्षा बहुत ही कमज़ोर हो गई है। जिसके बाद विक्रम अपने दोस्त से बोलता है कि मुझे अब फौज में के लिए वापस जाना होगा क्योंकि बॉर्डर पर हालात बेकाबू हैं। जिस पर उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हारी तो अभी छुट्टी भी ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन विक्रम बोलता है कि मेरी ज़रूरत बॉर्डर पर है। जिसके बाद अगले दिन विक्रम डिंपल से मिलकर फौज के लिए वापस रवाना हो जाता है। हमें कुछ आतंकवादियों द्वारा हमारे फौजियों को टॉर्चर करते हुए दिखाया जाता है और जिनकी लाशों को वो चौराहे पर टांग देते हैं। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उन फौजियों को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। जिसके बाद पूरी सेना बौखला जाती है और वॉर की तैयारी करना शुरू कर देती है। इस कैंप में विक्रम बत्रा और उनकी टीम ठहरी होती है। वहाँ पर एक आसमानी फायरिंग शुरू हो जाती है जिसका अंदाज़ा उन्हें बिल्कुल भी नहीं होता है। जिस फायरिंग के दौरान वहाँ पर बहुत से सैनिक मारे जाते हैं और कैप्टन अजय भी उसी टेररिस्ट अटैक में मारे जाते हैं। इसके बाद उनके यूनिट में बहुत सा गुस्सा भरा रहता है और वो वॉर की तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। तभी लेफ्टिनेंट जनरल भी वहाँ पे आते हैं और उन्हें वॉर में जाने की इजाज़त देते हैं और ये भी बताते हैं कि अब से हम तुम्हें कोड नोम नाम से ही बुलाएंगे। जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल अपना नाम चाणक्य रखते हैं और कैप्टन जिमी का नाम संग्राम रखते हैं। इस मूवी में कैप्टन विक्रम बत्रा का कोड नेम शेषा होता है जो हमारी इस मूवी का भी टाइटल है। लेफ्टिनेंट कर्नल बताते हैं कि हमें दो टीम में डिवाइड होकर दुश्मन पर अटैक करना होगा, जिसमें एक टीम में जिमी यानी संग्राम और दूसरी तरफ शेषा यानी विक्रम बत्रा लीड करेंगे टीम को। लेफ्टिनेंट कर्नल बताते हैं कि एरिया 471 बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह है जहां पर हमें दुश्मन से छुपकर उन पर अटैक करना होगा। जनरल ये भी बताते हैं कि वहां पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, इसलिए हमें पूरी तैयारी के साथ निकलना होगा। जिस पर शेरशाह यानी विक्रम बत्रा बोलते हैं कि हमें रात की तरफ और वहां पर चढ़ाई करनी होगी क्योंकि दिन के समय दुश्मन हमें देख सकता है। वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट कर्नल ये बोलते हैं कि मैं दूसरी तरफ से जवाबी कार्यवाही करूंगा, जिसमें वो फायरिंग करेंगे और दुश्मन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे, जिस पर उन्हें मौका मिल जाएगा फौजियों को दूसरी ओर से भेजने का। उसके बाद रात में विक्रम और उसकी टीम चढ़ाई करती है। वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट कर्नल जवाबी कार्रवाई करते हैं और दुश्मन का नज़र अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सुबह होते ही शेरशाह और उसकी टीम दुश्मन पर अटैक करती है और पूरे बंकर को उड़ा देती है और अपना झंडा एक बार फिर से सतह पर लहरा देती है। इसके बाद विक्रम बत्रा अपना कोड नेम बताते हुए यह खुशखबरी लेफ्टिनेंट कर्नल तक पहुंचाते हैं। जिसके बाद शेरशाह यानी विक्रम बत्रा लेफ्टिनेंट विक्रम को लेफ्टिनेंट से कैप्टन विक्रम बना दिया जाता है। कैप्टन विक्रम के प्रमोशन होने के बाद उनकी टीम का इंटरव्यू दूरदर्शन चैनल पर होता है, जिसमें विक्रम अपने टीम द्वारा किए गए कारनामों को दुनिया के सामने रखती हैं और अपना कोड नेम भी वो दुनिया को बताते हैं, जिसे डिंपल और उसका परिवार भी देख रहे होते हैं। और शेरशाह का परिवार यानी विक्रम बत्रा का परिवार यह सब देख कर भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज अपनी फौजियों की लाश लेने से मना कर देती है, जिसके बाद विक्रम और उसकी टीम उनकी लाशों को दफनाने का काम करती है। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम को 0.845 के बारे में बताते हैं, जिस पर बताते हैं कि वो अगर हम कब्जे में ले लें तो उसके बाद ये वॉर ख़त्म हो जाएगी। विक्रम अपनी फौज के साथ उस पॉइंट पर अटैक करने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल दूसरे यूनिट को वहाँ पर अटैक करने के लिए भेज रहे होते हैं। लेकिन कैप्टन विक्रम अपनी बातों से कन्वेंस कर अपनी टीम को रेडी कर लेता है उस पॉइंट पर अटैक करने के लिए, क्योंकि वो भी वॉर ख़त्म होते हुए देखना चाहता था।
अगले दिन विक्रम और उसकी टीम रेडी होकर उस पॉइंट के लिए निकल जाती है जहां पर उन्हें जवाबी कार्यवाही करनी होती है। इसके बाद हमें वॉर का सीन दिखाया जाता है जहां पर विक्रम और उसकी टीम सभी बंकरों को निस्तनाबूद कर रही होती है और ज़्यादातर आतंकवादियों को मार चुकी होती। मूवी की स्टार्टिंग में जब हम विक्रम बत्रा को बॉम्ब फेंकते हुए देखते हैं, वहीं से मूवी दोबारा शुरू होती है। विक्रम अपने ग्रेनेड की मदद से उस बंकर को भी उड़ाने में जीत हासिल कर लेता है, लेकिन एक स्नाइपर आतंकवादी दूर से हमारे फौज के कुछ सैनिकों पर हमला कर देता है, जिसके बाद विक्रम अपनी फौज को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्नाइपर वाला आतंकवादी उन पर अटैक कर देता है और वो बुरी तरह घायल हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके आतंकवादी सोल्जर उस स्नाइपर आतंकवादी को देख लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। विक्रम बत्रा वहाँ पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं और वो देखते हैं कि उनकी यूनिट ने उस जगह अपनी जीत हासिल कर ली है और यहाँ पर वॉर ख़त्म हो गई है। लेकिन विक्रम बत्रा यहाँ पर शहीद हो जाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके शहर की पूरी पब्लिक और भीड़ जमा हो जाती है और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर फायरिंग भी होती है, जो फौजियों की एक स्पेशल फायरिंग होती है। वहीं डिंपल भी विक्रम बत्रा के श्रद्धांजलि स्थल पर आती है, लेकिन उन्हें विक्रम की बॉडी तक को भी देखने का मौका नहीं मिलता, जिसके बाद वो भी वहाँ रोने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि विक्रम का जो भाई, जो उसी का एक हमशक्ल है, यह कहानी सबको सुनाता है। मूवी के लास्ट में हमें असल विक्रम बत्रा की फुटेज भी दिखाई जाती है। इन्होंने अपने आखिरी टाइम में भी बॉर्डर पर अपनी सेना का साथ नहीं छोड़ा था और यहीं पर इस मूवी का डी एंड हो जाता है। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक वॉर का सीन दिखाया जाता है जहां पर विक्रम बत्रा और उसकी टीम लड़ रहे होते हैं। दुश्मन की तरफ से भी लगातार फायरिंग होने के कारण भी विक्रम बत्रा अपनी टीम को लीड कर रहे थे और दोनों तरफ से निस्तबूत फायरिंग हो रही थी। तभी विक्रम बत्रा का एक सैनिक एक रॉकेट लॉन्चर से उस एरिया में ब्लास्ट करता है जहां पर दुश्मन छुपे रहते हैं और उनके बंकर को तबाह कर देता है। बंकर तबाह होने के बाद फायरिंग आना बंद हो जाती है। जैसा उन्हें लगता है वैसा नहीं होता। जब वो बंकर की तरफ बढ़ रहे होते हैं तब वहाँ से फिर से फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसके बाद विक्रम बत्रा अपने सैनिक को पीछे आने की चेतावनी देते हैं और उसके दौरान उनके कुछ सैनिक घायल हो जाते हैं और कुछ मारे जाते हैं। इसके बाद विक्रम बत्रा अपनी टीम को बताते हैं कि अभी भी एक बंकर शामिल है जिसे हमें पूरी तरह निस्तनाबूद करना है, इसके बाद हम जीत जाएंगे। विक्रम बत्रा के पास एक ग्रेनेड होता है जिसकी मदद से वो दुश्मन को निस्तनाबूद करने की प्लानिंग बनाते हैं और अपनी टीम को उन्हें कवर देने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद विक्रम बत्रा भागते हुए ग्रेनेड को आसमान की तरफ उछालते हैं और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें विक्रम बत्रा के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ बैट बॉल खेल रहे होते हैं। जब विक्रम अपने भाई और दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा होता है तब बॉल एक लड़के को जाकर लग जाती है, जिसके बाद विक्रम उस लड़के से अपना बॉल मांगने जाता है, लेकिन लड़का गुस्से में उसे बॉल देने से मना कर देता है, जिसके बाद दोनों में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई के बीच विक्रम किसी तरह बॉल लेकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद जब विक्रम घर पहुंचता है तब उसके पिता उसके सामने खड़े होते हैं और उसे बहुत कुछ सुनाते हैं और बोलते हैं कि जिस लड़के से तुमने लड़ाई की वो तुमसे 10 साल बड़ा था, इसलिए तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद मूवी का सीन विक्रम के भाई की तरफ मूव करा जाता है जो एक स्टेज पर खड़ा होकर विक्रम की कहानियाँ बता रहा होता है। वो बताता है कि बचपन में दूरदर्शन पर एक शो आता था परवीर चक्र, जिसमें फौजों के बारे में और उसकी ट्रेनिंग के बारे में लोगों को दिखाया जाता था, लेकिन उस टाइम बहुत कम ही घरों में टीवी होता था, इसलिए विक्रम किसी तरह अपने पड़ोसी के घर में जाता था और वहां पर जाकर परमवीर
चक वाला शो देखता था और बचपन से ही उसने तय कर लिया था कि उसे फौज में जाना है। विक्रम जब भी गणतंत्र दिवस पर स्कूल में जाता था तो सभी बच्चे वाइट ड्रेस पहनकर स्कूल में आते थे, लेकिन विक्रम हमेशा फौजी की ड्रेस पहनकर स्कूल में आता था और सल्यूट मारता था। विक्रम के हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विक्रम अब 2-स्टार फौजी बन गया है और उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में की गई है। विक्रम को रिसीव करने के लिए कैप्टन राजीव कपूर, सुबेदार बंसी लाल उन्हें रिसीव करने आते हैं और उन्हें अपने कैंप में ले जाते हैं। कैंप में पहुंचने के बाद विक्रम अपने सभी टीम मेंबर को नमस्ते बोलते हैं और अपने बारे में भी बताते हैं। कैंप के अंदर जाने के बाद उनकी मुलाकात एक लेफ्टिनेंट से होती है जिन्हें वो अपना सल्यूट देते हैं। वहीं कैप्टन जिमी जो कैंप में ही रहते हैं उनकी मुलाकात भी विक्रम बत्रा से होती है। विक्रम बत्रा को कई दिन कश्मीर में बीत जाते हैं और उनकी अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है। वो लोग उन्हें बहुत इज्जत और सम्मान भी देते हैं। इसके बाद हमें कश्मीर में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम गफूर होता है, जो विक्रम बत्रा की काफ़ी इज्जत करता है और विक्रम बत्रा भी उन्हें अपने पिता समान मानते हैं। गफूर अपने बेटे को विक्रम बत्रा को चाय सौंपने के लिए बोलता है। गफूर बताता है कि उसका बेटा कुछ दिनों से लापता था, लेकिन उसका बेटा बोलता है कि वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था। इसके बाद विक्रम बत्रा और उनकी टीम नेक्स्ट पॉइंट पर चेकिंग करने के लिए जा रही होती है। तब कैप्टन जिमी बोलते हैं कि हमें इन लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर रखना चाहिए क्योंकि ये लोग खतरनाक भी हो सकते हैं, जिस पर लेफ्टिनेंट विक्रम बोलते हैं कि अगर हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे तो वो भी हम पर विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद विक्रम बत्रा और उनकी टीम नेक्स्ट चेक पॉइंट पर पहुंच जाती है। उन्हें खबर मिलती है कि कुछ हथियार यहाँ से ट्रांसपोर्ट होने वाले हैं, लेकिन उन्हें चेकिंग करते हुए 3 घंटे बीत जाते हैं और विक्रम बत्रा को लगता है कि उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। तभी कुछ आतंकवादियों की गाड़ी पीछे से आती है और फौजियों को देखकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रम की नज़र उन पर पड़ जाती है और वो तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अपनी ओर आते हुए विक्रम को देखने पर फौजी उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिस पर वहां से भगदड़ मच जाती है। विक्रम फिर भी उन फौजियों से कवर मांगते हुए आतंकवादियों के सामने पहुँचने की कोशिश करता है। लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, विक्रम उन्हें भी शांति से रहने के लिए बोलता है। विक्रम आगे बढ़ते हुए सभी आतंकवादियों को मारने लगता है। जब आतंकवादियों का लीडर भागने की कोशिश करता है तब विक्रम बत्रा उसके पैर पर गोली मारकर उसे वहां रोक लेते हैं और सभी आतंकवादियों को पकड़ लिया जाता है। लेकिन कैप्टन जिमी विक्रम पर गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि वो उसके ऑर्डरों को फॉलो नहीं कर रहा होता है। इसके बाद हमें कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूबेदार कैप्टन विक्रम की तारीफ कर रहा होता है और सभी फौजी बोलते हैं कि जब आप कैप्टन बनेंगे तब हमें अपनी यूनिट में ज़रूर शामिल कीजिएगा, और उनकी बहुत सी तारीफ भी करते हैं। जिसके बाद कैप्टन जिमी भी वहाँ पे आ जाते हैं, जिसके बाद कैप्टन जिमी बोलते हैं कि तुम मुझे आज से जिमी बोल सकते हैं क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे 6 महीने ही सीनियर हूँ। और इसके बाद कैप्टन विक्रम और जिमी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद विक्रम के पास एक लेटर आता है जो उसकी बीवी डिंपल का होता है, जिसके बाद विक्रम कुछ मुस्कुराता है और उसके बाद इस कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि कॉलेज टाइम चल रहा होता है जहाँ पर विक्रम पढ़ रहा होता है और उसकी नज़र एक डिंपल नाम की लड़की पर पड़ती है और उसे वो पहली नज़र में ही पसंद करने लगता है। शुरुआत में डिंपल विक्रम की तरफ देखती भी नहीं थी, लेकिन जब वो विक्रम की तरफ देखती है और उसकी तरफ मुस्कुराती है तब विक्रम को लगता है कि अब उसका काम चल जाएगा। इस बात से खुश होकर विक्रम अपने दोस्तों को पार्टी देने की कोशिश करता है और उन्हें आर्मी कैंट में ले जाता है। कैंटीन में जाने के बाद कैंटीन में एक सर्विसमैन रहता है जो विक्रम को बोलता है कि ये शराब सिर्फ फौजियों के लिए है, जिसके बाद विक्रम कसम खा लेता है कि जब तक वो फौजी नहीं बनेगा तब तक वो शराब की एक बूंद भी नहीं पिएगा। वहीं कुछ दिनों बाद विक्रम और उनका ग्रुप एक टूर पे जाता है जहां पर डिंपल भी मौजूद होती है, जिसमें डिंपल और विक्रम काफ़ी मस्ती भी करते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को अब पसंद भी करने लगते हैं।
इसके बाद उनके प्यार को कुछ दिन बीत जाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद जब विक्रम डिंपल को छोड़ने उसके घर जाता है, तब वो उसे प्रपोज करता है। उसे प्रपोज करते हुए डिंपल के पिता उसे देख लेते हैं और विक्रम को अपने घर में बुलाते हैं, जिसके बाद डिंपल के पिता उसे बताते हैं कि तुम खत्री पंजाबी हो और हम सिख हैं, इसलिए यह रिश्ता तय नहीं हो सकता। इसके बाद विक्रम अपने घर जाता है और यही बात वो अपने घर वालों को बताता है, लेकिन उसके घर वाले खुशी से झूम उठते हैं और रिश्ते के लिए मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिंपल जब अगले दिन अपने घर पहुंचती है, तब उसके पिता उसे बताते हैं कि हमने तुम्हारा रिश्ता एक लड़के के साथ तय कर दिया होता है, जिसके बाद डिंपल गुस्सा होती है और बोलती है कि वो जब भी शादी करेगी तो विक्रम के साथ ही करेगी। वहीं दूसरी तरफ विक्रम अपने दोस्त से मिलता है और बोलता है कि वो अब फौज में ना जाकर नेवी में जाएगा, जिस पर विक्रम का दोस्त समझाता है कि ये लड़की कल ही आई है और तुम अपने बचपन के सपने को छोड़कर नेवी में नहीं जा सकते। इसके बाद विक्रम डिंपल से मिलता है, तब वो डिंपल को बताता है कि मेरा सपना बचपन से ही आर्मी में जाने का है, इसलिए मैं नेवी में नहीं जा सकता और मैं आर्मी में ही जाना पसंद करूँगा। जिसके बाद डिंपल नाराज़ हो जाती है और जाते हुए विक्रम को बोलती है, जब तक तुम्हारा फौजी में सिलेक्शन ना हो जाए तब तक मुझे कॉल मत करना। यानी कि डिंपल विक्रम से नाराज़ नहीं होती है, बस उसे खुश करने की कोशिश करती है। वहीं मूवी का सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट किया जाता है, जहां पर विक्रम अपने दोस्तों के साथ ये सब बातें शेयर कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन जिमी भी आ जाते हैं और विक्रम को बताते हैं कि जिस आतंकवादी को तुमने पकड़ा है वो हैदर का राइट हैंड है, जिसके बाद जिमी बताते हैं कि अब हैदर चुपचाप नहीं रहेगा और हमारी टीम को कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर करेगा। जिसके बाद मूवी का सीन हैदर की तरफ मूव किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम जिमी से पूछता है कि उन्हें इस सोर्स की जानकारी कहां से मिली, तब जिमी बताता है कि हम सोर्स की जानकारी नहीं बता सकते कि हमें कहां से मिली और कैसे मिली, क्योंकि ये बातें सीक्रेट होती हैं। वहीं दूसरी तरफ हैदर उन लोगों को मार देता है जिन्होंने सोर्स की जानकारी फौजी तक पहुँचाई थी। हम देखते हैं कि गफूर का बेटा भी उन्हीं आतंकवादियों के साथ शामिल होता है और हैदर ने उनके साथ कुछ लड़कों को पाकिस्तान भेजने के लिए चुना होता है। हैदर उन जासूसों की लाशों को चौराहे पर टांग देता है, जिसके बाद विक्रम बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है। लेकिन विक्रम के कैप्टन वहां पर आते हैं और विक्रम और जिमी की तारीफ करते हैं, बताते हैं हका उल्ला जो हैदर का राइट हैंड था उन्हें पकड़कर तुमने बहुत ही बहादुरी वाला काम किया है। अपने कैप्टन से मिलने के बाद जब विक्रम रात को चेकिंग पोस्ट पर जा रहा होता है, तब उसे गफूर मिलता है और गफूर विक्रम से रिक्वेस्ट करता है कि उसे उसकी बेटे की मदद करनी पड़ेगी क्योंकि उसका बेटा खतरे में है। तब उसका बेटा अरसलान बताता है कि वो हैदर के साथ मिला हुआ है और हैदर ने उसे पाकिस्तान जाने के लिए चुना हुआ है, जबकि वो ये सब काम नहीं करना चाहता। जिसके बाद विक्रम बोलता है कि तुम्हें अभी उनके साथ काम करना होगा, तब तक मैं अपने सीनियर के साथ बात कर तुम्हारी हिफाजत का इंतजाम करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ फौजियों को कुछ हथियार के ठिकानों का पता चलता है अपने गुप्तचर द्वारा, जिस पर विक्रम और उसकी टीम उन हथियारों को लेने वहाँ जाती है और हथियारों को लेकर जब वो वापस लौट रही होती है, तब उन पर कुछ अटैक हो जाता है जिसमें एक धमाके में फौजी भी घायल हो जाते हैं। चारों तरफ फायरिंग होने के कारण विक्रम के कई सारे सैनिक मारे जाते हैं, जिसमें सूबेदार बंसीलाल भी शामिल होता है। विक्रम यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और अपने गुस्से के कारण अपने आप को काबू नहीं कर पाता और इस सब का जिम्मेदार खुद को भी मानना शुरू कर देता है। इसके बाद वो गफूर से मिलता है और उसके बेटे से हैदर का पता पूछता है। हैदर का पता बताने के बाद विक्रम अपने लेफ्टिनेंट कर्नल से मिलने जाता है और उनसे हैदर के लोकेशन पर अटैक करने की इजाज़त मांगता है। तब लेफ्टिनेंट कर्नल बताते हैं कि हैदर कभी भी एक जगह नहीं टिकता, फिर भी उसे वो परमिशन दे देते हैं हैदर के ठिकाने पर अटैक करने की। विक्रम अपनी टीम के साथ हैदर के ठिकाने में पहुंचता है, वहां पर आतंकवादी तो होते हैं लेकिन हैदर नहीं होता।
वहीं टीम को खबर मिलती है कि उन्हें वापस आने की चेतावनी मिली है, लेकिन विक्रम को लगता है कि हैदर यहीं है, इसलिए वो वहां पर घुसने की कोशिश करता है, जिसके बाद उन फौजियों पर अटैक हो जाता है आतंकवादियों का। जवाबी कार्रवाई में विक्रम के फौजी भी फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। वहीं कुछ औरतें और बच्चे भी होती हैं जो बुरखे में होती हैं, जिसमें उनके फौजी वाले उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। तभी विक्रम की नज़र एक बुरखे वाली औरत पर जाता है जिसने जूते पहन रखे होते हैं। तब उसे समझ में आ जाता है कि ये और कोई नहीं हैदर है, जिसके बाद वो हैदर को पकड़ लेता है और बिना कुछ बोले ही उसे तुरंत मार देता है। विक्रम की इस बहादुरी से कैंप में सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। वहीं विक्रम का घर जाने का भी समय आ जाता है और उसे कुछ दिनों की छुट्टियां मिल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें बर्फीली पहाड़ियों का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ आतंकवादी घुस आते हैं और अपने झंडे को हटाकर, यानी कि भारत देश का झंडा हटाकर अपना झंडा लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें विक्रम और डिम्पल का सीन दिखाया जाता है, जो एक दूसरे से आज बहुत दिनों बाद मिले होते हैं। विक्रम अपनी छुट्टियां पूरे डिम्पल के साथ बिताने की कोशिश करता है और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ बहुत ही खुश रहता है। तभी एक दिन विक्रम को टीवी पर खबर मिलती है कि बॉर्डर पर आतंकवादी हमले होने के कारण आज बॉर्डर की सुरक्षा बहुत ही कमज़ोर हो गई है, जिसके बाद विक्रम अपने दोस्त से बोलता है कि मुझे अब फौज में के लिए वापस जाना होगा क्योंकि बॉर्डर पर हालात बेकाबू हैं। जिस पर उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हारी तो अभी छुट्टी भी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन विक्रम बोलता है कि मेरी ज़रूरत बॉर्डर पर है। जिसके बाद अगले दिन विक्रम डिम्पल से मिलकर फौज के लिए वापस रवाना हो जाता है। हमें कुछ आतंकवादियों द्वारा हमारे फौजियों को टॉर्चर करते हुए दिखाया जाता है और जिनकी लाशों को वो चौराहे पर टांग देते हैं। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उन फौजियों को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, जिसके बाद पूरी सेना बौखला जाती है और वॉर की तैयारी करना शुरू कर देती है। इस कैंप में विक्रम बत्रा और उनकी टीम ठहरी होती है, वहाँ पर एक आसमानी फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसका अंदाज़ा उन्हें बिल्कुल भी नहीं होता है। जिस फायरिंग के दौरान वहाँ पर बहुत से सैनिक मारे जाते हैं और कैप्टन अजय भी उसी टेररिस्ट अटैक में मारे जाते हैं। इसके बाद उनके यूनिट में बहुत सा गुस्सा भरा रहता है और वो वॉर की तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। तभी लेफ्टिनेंट जनरल भी वहाँ पे आते हैं और उन्हें वॉर में जाने की इजाज़त देते हैं और ये भी बताते हैं कि अब से हम तुम्हें कोड नो नाम से ही बुलाएंगे, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल अपना नाम चाणक्य रखते हैं और कैप्टन जिमी का नाम संग्राम रखते हैं। इस मूवी में कैप्टन विक्रम बत्रा का कोड नेम शेषा होता है, जो हमारी इस मूवी का भी टाइटल है। लेफ्टिनेंट कर्नल बताते हैं कि हमें दो टीम में डिवाइड होकर दुश्मन पर अटैक करना होगा, जिसमें एक टीम में जिमी यानी संग्राम और दूसरी तरफ शेषा यानी विक्रम बत्रा लीड करेंगे टीम को। लेफ्टिनेंट कर्नल बताते हैं कि एरिया 471 बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह है, जहां पर हमें दुश्मन से छुपकर उन पर अटैक करना होगा। जनरल ये भी बताते हैं कि वहां पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, इसलिए हमें पूरी तैयारी के साथ निकलना होगा। जिस पर शेरशाह यानी विक्रम बत्रा बोलते हैं कि हमें रात की तरफ और वहां पर चढ़ाई करनी होगी क्योंकि दिन के समय दुश्मन हमें देख सकता है। वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट कर्नल ये बोलते हैं कि मैं दूसरी तरफ से जवाबी कार्यवाही करूंगा, जिसमें वो फायरिंग करेंगे और दुश्मन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे, जिस पर उन्हें मौका मिल जाएगा फौजियों को दूसरी ओर से भेजने का। इसके बाद रात में विक्रम और उसकी टीम चढ़ाई करती है, वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट कर्नल जवाबी कार्रवाई करते हैं और दुश्मन का नज़र अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सुबह होते ही शेरशाह और उसकी टीम दुश्मन पर अटैक करती है और पूरे बंकर को उड़ा देती है और अपना झंडा एक बार फिर से सतह पर लहरा देती है। इसके बाद विक्रम बत्रा अपना कोड नेम बताते हुए
यह खुशखबरी लेफ्टिनेंट कर्नल तक पहुंचाते हैं, जिसके बाद शेरशाह यानी विक्रम बत्रा लेफ्टिनेंट विक्रम को लेफ्टिनेंट से कैप्टन विक्रम बना दिया जाता है। कैप्टन विक्रम के प्रमोशन होने के बाद उनकी टीम का इंटरव्यू दूरदर्शन चैनल पर होता है, जिसमें विक्रम अपने टीम द्वारा किए गए कारनामों को दुनिया के सामने रखती हैं और अपना कोड नेम भी वो दुनिया को बताते हैं, जिसे डिंपल और उसका परिवार भी देख रहे होते हैं। और शेरशाह का परिवार यानी विक्रम बत्रा का परिवार यह सब देखकर भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज अपनी फौजों की लाश लेने से मना कर देती है, जिसके बाद विक्रम और उसकी टीम उनकी लाशों को दफनाने का काम करती है। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम को .845 के बारे में बताते हैं, जिस पर बताते हैं कि वो अगर हम कब्जे में ले लें तो उसके बाद यह वॉर ख़त्म हो जाएगी। विक्रम अपनी फौज के साथ उस पॉइंट पर अटैक करने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल दूसरे यूनिट को वहां पर अटैक करने के लिए भेज रहे होते हैं, लेकिन कैप्टन विक्रम अपनी बातों से कन्वेंस कर अपनी टीम को रेडी कर लेता है उस पॉइंट पर अटैक करने के लिए, क्योंकि वो भी वॉर ख़त्म होते हुए देखना चाहता था। अगले दिन विक्रम और उसकी टीम रेडी होकर उस पॉइंट के लिए निकल जाती है जहां पर उन्हें जवाबी कार्रवाई करनी होती है। इसके बाद हमें वॉर का सीन दिखाया जाता है जहां पर विक्रम और उसकी टीम सभी बंकरों को निस्तनाबूद कर रही होती है और ज़्यादातर आतंकवादियों को मार चुकी होती। मूवी की स्टार्टिंग में जब हम विक्रम बत्रा को बॉम्ब फेंकते हुए देखते हैं, वहीं से मूवी दोबारा शुरू होती है। विक्रम अपने ग्रेनेड की मदद से उस बंकर को भी उड़ाने में जीत हासिल कर लेता है, लेकिन एक स्नाइपर आतंकवादी दूर से हमारे फौज के कुछ सैनिकों पर हमला कर देता है, जिसके बाद विक्रम अपनी फौज को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्नाइपर वाला आतंकवादी उन पर अटैक कर देता है और वो बुरी तरह घायल हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके आतंकवादी सोल्जर उस स्नाइपर आतंकवादी को देख लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। विक्रम बत्रा वहाँ पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं और वो देखते हैं कि उनकी यूनिट ने उस जगह अपनी जीत हासिल कर ली है और यहाँ पर वॉर ख़त्म हो गई है, लेकिन विक्रम बत्रा यहाँ पर शहीद हो जाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके शहर की पूरी पब्लिक और भीड़ जमा हो जाती है और उन्हें श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पर फायरिंग भी होती है, जो फौजियों की एक स्पेशल फायरिंग होती है। वहीं डिंपल भी विक्रम बत्रा के श्रद्धांजलि स्थल पर आती है, लेकिन उन्हें विक्रम की बॉडी तक को भी देखने का मौका नहीं मिलता, जिसके बाद वो भी वहाँ रोने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि विक्रम का जो भाई, जो उसी का एक हमशक्ल है, यह कहानी सबको सुनाता है। मूवी के लास्ट में हमें असल विक्रम बत्रा की फुटेज भी दिखाई जाती है, जिन्होंने अपने आखिरी टाइम में भी बॉर्डर पर अपनी सेना का साथ नहीं छोड़ा था, और यहीं पर इस मूवी का डी एंड हो जाता है। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक वॉर का सीन दिखाया जाता है जहां पर विक्रम बत्रा और उसकी टीम लड़ रहे होते हैं। दुश्मन की तरफ से भी लगातार फायरिंग होने के कारण भी विक्रम बत्रा अपनी टीम को लीड कर रहे थे और दोनों तरफ से निस्तब्ध फायरिंग हो रही थी। तभी विक्रम बत्रा का एक सैनिक एक रॉकेट लॉन्चर से उस एरिया में ब्लास्ट कर